आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। पुस्तक की पूरी समरी हिंदी में। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड न केवल पूरी दुनिया के बुक रीडर्स में फेमस है, बल्कि इसने हमारे माइंड के सबकॉन्शियस पावर्स को सामने लाने की कोशिश की है। इस बुक में सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से हुए चमत्कारों को बहुत सारे रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है, जो रीडर्स को इस पर यकीन करने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ था और बाद के दिनों में वे अमेरिका में बस गए थे। साइकोलॉजी में पीएचडी करने के बाद उन्होंने दुनिया के अलग अलग धर्मों पर रिसर्च किया और इसी सिलसिले में वे भारत भी आए थे। अनेकों वर्ल्ड फेमस बुक्स लिखने के बाद जब लोगों ने उनसे उनकी बायोग्राफी लिखने की मांग की, तो मर्फी ने कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। इस तरह अपने पूरे जीवन में उन्होंने 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिनमें द मिरेकल्स ऑफ माइंड डायनेमिक्स, योर इन्फिनिट पावर टू बी रिच, द अमेजिंग लॉस ऑफ कॉस्मिक माइंड इत्यादि हैं, जिनमें सबसे फेमस है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, इस अमेजिंग बुक को जानने से पहले आइए जानते हैं कि ये बुक हमारी लाइफ में भी चमत्कार कैसे कर सकती है। इस पुस्तक की शुरुआत इसी सवाल से होती है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि चमत्कार जैसी चीज पर शायद आप में से काफी लोग विश्वास नहीं करते होंगे, पर यह सच में हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपनी किस्मत पर भरोसा करने की बजाय ये बुक हमें हमारी किस्मत अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से खुद लिखने को प्रेरित करती है। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। इसका अर्थ है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो चेतना में नहीं है, मतलब वो कॉन्शियसली काम नहीं करता। इसे आसान भाषा में समझिए। देखिए, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे लॉजिकल कामों को कंट्रोल करता है, जैसे फैसला करना, प्लानिंग करना, किसी भी प्रकार की नई स्किल या भाषा सीखना वगैरह वगैरह। वही सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य काम हमारे फिजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है, जैसे हमारा सांसें लेना, खाना पचाना, चीजें याद रखना, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना आदि। हमारी हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन भी सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोसेस करते हैं। इस तरह हमारी बॉडी का 95% काम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी बुक पर वापस आते हैं। हाँ, तो हम इस बुक को पढ़ने के बाद होने वाले मिरेकल्स को समझ रहे थे। दोस्तों, इसी सिलसिले में बुक की शुरुआत में राइटर हमसे कुछ और सवाल पूछते हैं, जिनके जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे, ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति दुखी है तो कोई सुखी, एक अमीर है तो दूसरा गरीब, एक व्यक्ति तनावग्रस्त है तो दूसरा आत्मविश्वासी और खुश, एक व्यक्ति सफल है तो दूसरा असफल, एक व्यक्ति जहां अपने काम में जीनियस है तो दूसरा जिंदगी भर मेहनत करके भी कुछ हासिल कर पाने में नाकाम, एक व्यक्ति जो एक भयंकर जानलेवा बीमारी से ठीक हो जाता है तो दूसरा नहीं। इतने सारे धार्मिक, दयालु और अच्छे लोग आखिर क्यों इतनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को झेलते हैं? जहां एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से खुश है तो वहीं दूसरा तनावग्रस्त और परेशान। ऐसा क्यों है? क्या आपके पास इन सवालों के कोई जवाब हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। इनके जवाब छिपे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपको जरूरत है उन्हें ढूंढने की। दोस्तों, इसी तरह के अनेकों सवालों के जवाब ढूंढने की खोज ने जोसेफ मर्फी को ये बुक लिखने को प्रेरित किया। इस बुक में मर्फी ने उन जवाबों को ढूंढने का तरीका बताया है
और उनके शब्दों में वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बुक की सीक्रेट्स जानने के बाद आप उस चमत्कारी शक्ति को जान पाएंगे जो आप में ही मौजूद है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास, और यही शक्ति आपको दुख, निराशा और परेशानियों के जाल से बाहर निकालेगी। ये शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में गाइड करेगी, आपकी परेशानियां सुलझाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड की यह चमत्कारी शक्ति आपको फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बनाएगी। और अगर एक बार आपने इस शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप निडर, आत्मविश्वासी, आजाद और सफल हो जाएंगे। दोस्तों, पुस्तक में आगे लेखक कहते हैं कि इस चमत्कारी शक्ति को कैसे पाया जा सकता है। वो कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि आप इस पर विश्वास करें, लेकिन बिना किसी प्रूफ के तो शायद आपके लिए विश्वास करना कठिन होगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि उन्होंने सरकोमा नाम के ट्यूमर का इलाज इसी अवचेतन मन की शक्ति से किया था, जिसने हमारे शरीर की रचना की है और जो हमारे शरीर के सभी जरूरी कामों को कंट्रोल करती है। उन्होंने जिस टेक्निक से उस भयंकर ट्यूमर का इलाज किया, उसकी चर्चा पुस्तक में आगे विस्तार से की गई है। दोस्तों, आगे लेखक प्रेयर्स यानी प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्या आप जानते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को जगाने में प्रार्थना कितनी अद्भुत टेक्निक के रूप में काम करती है। साथ ही हमें यह भी बताया गया है कि कारगर प्रार्थना किस तरह से की जाती है। दोस्तों, प्रार्थना हम सभी करते हैं, पर अधिकतर समय जब हम किसी मुश्किल या मुसीबत या बीमारी की स्थिति में होते हैं तो अचानक हमारे मुंह से प्रार्थनाएं निकलती हैं। बेशक हम मुसीबत में प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना को हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार ही क्यों करें। दोस्तों, प्रार्थना के विषय में लेखक जोसेफ मर्फी ने गहन रिसर्च किया और इसके साइंटिफिक प्रभावों को हमारे सामने लाने की कोशिश की। बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, खाने से पहले ईश्वर का स्मरण और ईश्वर की आराधना में एक अद्भुत शक्ति होती है। पुस्तक में इस पर भी आगे विस्तार से बात की जाएगी। लेखक बताते हैं कि उनसे हजारों लोग ये सवाल पूछते हैं कि बार बार प्रार्थना करने के बावजूद हमें वो चीज क्यों नहीं मिलती जो हमने प्रार्थना में मांगी है। इस पुस्तक में आपको उसका भी कारण मिल जाएगा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारे अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां उस समय भी मौजूद थीं जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, ये दुनिया भी नहीं थी। जीवन की शुरुआत इसी शक्ति से होती है। लेखक हमसे यह आग्रह करते हैं कि हमें तो बस मेंटली और इमोशनली उस अच्छी चीज के साथ जुड़ना है जिसे हम अपना हकीकत बनाना चाहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स इसी के अनुसार काम करेंगी। इसीलिए आज ही, अभी इसकी शुरुआत कर दें और अपने जीवन में चमत्कार होता देखें। दोस्तों, इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं, यानी 20 लेसन्स हैं। आइए एक एक करके इस पुस्तक के प्रत्येक पाठ के बारे में समझते जाएं। दोस्तों, इसे सुनने के बाद आपको इस पुस्तक को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल इस एक वीडियो में आपको इस बुक की अमेजिंग समरी बताने का प्रयास हमने बहुत मेहनत से किया है। इसीलिए हम आशा करते हैं कि आपको इस पुस्तक की कंप्लीट समरी जानकर अच्छा लगेगा और आप इस पुस्तक के राज जानकर अपना जीवन बदल पाने में सक्षम होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले अध्याय का नाम है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों, यहाँ लेखक किस खजाने की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं कि इस खजाने को हासिल करने के लिए हमें केवल अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। हमारे भीतर शक्तियों का एक ऐसा भंडार है जिसमें से सुख, समृद्धि और आनंद का जीवन जिया जा सकता है और हमारे लिए
हर वो जरूरी चीज निकाली जा सकती है जिसकी हमें आवश्यकता है। कई लोग अपनी इस शक्ति को इसीलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने अंदर मौजूद अपनी अनलिमिटेड नॉलेज और अनंत प्यार के भंडार का पता ही नहीं होता। अब लेखक एक चुंबक का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि लोहे का एक चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। वहीं अगर हम इसके चुंबकीय शक्ति को हटा दें तो ये एक पंख तक नहीं हिला सकता। जिस तरह ये लोहा दो प्रकार का होता है, लेखक कहते हैं कि लोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनमें ठीक चुंबकीय लोहे की तरह गुण पाए जाते हैं और दूसरे वो जो बिल्कुल साधारण लोहे की तरह होते हैं। ये जो चुंबकीय लोग होते हैं ना, इनमें खूब सारा आत्मविश्वास होता है और ये आस्था से भरपूर होते हैं। ये जानते हैं कि इनका जन्म केवल जीतने और सफल होने के लिए हुआ है। वहीं जिनमें ये चुंबकीय गुण नहीं होता, वो डर और शंका से भरे रहते हैं। जब भी उन्हें कोई अवसर मिलता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, नहीं बाबा मैं नहीं करूंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और अपनी जिंदगी में आगे तक नहीं जा पाते। उनका जो डर होता है ना, वो उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वो अभी हैं। लेखक कहते हैं कि आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते कि आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को जान लें और उस पर अमल करने लगें। अब आप कहेंगे कि इतिहास का बड़ा रहस्य या मिस्ट्री, आपको पता है आपकी नजर में ये रहस्य न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान और ब्लैक होल वगैरह हो सकते हैं, लेकिन सही जवाब इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, ये रहस्य है आपके सबकॉन्शियस माइंड में पाई जाने वाली अमेजिंग चमत्कारी शक्ति। यही वो आखिरी जगह है जिस पर बहुत कम लोग रिसर्च करते हैं और इसी कारण ये रहस्य बहुत कम लोगों को ही पता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपी इन अमेजिंग पावर्स का इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में बहुत सारी सेहत, दौलत और आनंद पा सकते हैं और आपको इस शक्ति को पाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यह आप में पहले से ही मौजूद है। बस आपको ये समझने की जरूरत है कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें। इसीलिए इस पुस्तक में आपको जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में इसे इस्तेमाल करने की टेक्निक के बारे में सिखाया जाएगा। ये शक्ति आपको सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या हर वो लोग जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं को कर सकते हैं। ये शक्ति आपको बताएगी कि आप धनी कैसे बन सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं, ताकि जैसा आपका दिल चाहता है आप वैसे बने, करें और रहें। इतना ही नहीं, ये शक्ति आपके टूटे दिल का इलाज कर सकती है, आपके परेशान मन को शांत कर सकती है। आगे लेखक बताते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसकी थियरीज यानी सिद्धांतों को समझना होगा। अब थियरीज या सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? देखिए, साइंस में आपने थियोरीज बेस्ड अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जरूर किए होंगे। इनमें क्या होता है, एक प्रोसेस कि कैसे करना है और एक रिजल्ट, और ये थियोरीज हर कंडीशन में सच और शाश्वत होती हैं। अब आप कहेंगे कि इन थियोरीज का हमारे सक्सेस से क्या रिलेशन है। आइए देखते हैं कि लेखक हमें किस प्रकार समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि रिजल्ट क्या होंगे, ठीक वैसे ही रिजल्ट्स जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स में पाते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कई सालों तक केमिस्ट का काम किया था। अपनी शुरुआती ट्रेनिंग में उन्होंने ये सीखा कि जब हम हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलाते हैं तो रिजल्ट हमेशा पानी होता है। ये रिजल्ट कभी कभार या अक्सर नहीं
बल्कि हमेशा एक ही होता है। इसी तरह जब हम एक परमाणु कार्बन का और एक ऑक्सीजन का मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो सभी प्राणियों के लिए जहरीली है। पर वहीं अगर हम इसमें ऑक्सीजन का एक और परमाणु मिलाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जो पौधों के लिए जीवनदायी है। ये सभी एक ऐसे तथ्य हैं जो हर परिस्थिति में हर समय सच होंगे। इन्हें ही हम सिद्धांत या थियरी कहते हैं। इसी तरह लेखक कहते हैं कि काम करने की दृष्टि से या नजरिए में भी यही बात लागू होती है। यहाँ अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से सक्सेस हासिल करने के लिए आपको एक सिद्धांत या थियरी को सीखना होगा। जिस प्रकार साइंस की ये थ्योरी सच है, उसी प्रकार ये थ्योरी भी सच है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो छाप छोड़ते हैं वो परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में बाहर निकलती है। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है। ये विश्वास के नियम पर अपना काम करता है। मतलब आपको पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको जानना होगा कि इस पर विश्वास कैसे करते हैं। दोस्तों, मर्फी बताते हैं कि इस विश्वास का एक नियम है और ये नियम ये है कि आप अपने मन पर विश्वास करें, इसके कामों पर विश्वास करें और खुद पर विश्वास करें। लेखक यहाँ हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि उस विश्वास के कारण मिलती है जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसीलिए हमें ऐसे झूठ और अंधविश्वासों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमें डराते हैं, जकड़ते हैं। उस सच और सिद्धांतों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलते। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और अच्छी भावनाओं से भर दें। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें सीखने से आप गरीबी के बजाय धनवान, अंधविश्वासी के बजाय बुद्धिमान, तनाव के बजाय शांति और फेलियर के बजाय सक्सेस और डर के बजाय सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस का अनुभव करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास के एक सच्चे उदाहरण से मर्फी हमें बताते हैं कि हम किस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास कर जीत हासिल कर सकते हैं। एक बार एक महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो मंच पर गाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले में ऐंठन होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब वो कभी नहीं गा पाएंगे। वो मंच के पीछे अपने कॉस्ट्यूम में तैयार खड़े थे। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था। कुछ ही समय में उन्हें हजारों की भीड़ में मंच पर गाना था। अचानक कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे तो मेरा करियर खत्म हो गया, मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन उसी पल वो दोबारा मंच की ओर मुड़े, तभी अचानक से बोले, मेरे अंदर जो छोटा मैं है, जो डरपोक और भयभीत है, वो मेरे अंदर से मेरे बड़े मैं यानी आत्मविश्वास और साहस का गला दबा रहा है। वे दोबारा स्टेज की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने भीतर के छोटे मैं को ऑर्डर दिया, बाहर निकल जाओ, मेरे भीतर का बड़ा मैं गाना गाना चाहता है। वे चिल्लाए, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अब चमत्कार हुआ, उनके ऐसा बोलते ही उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके अंदर की अनलिमिटेड पावर को आजाद कर दिया और जब वे मंच पर गए तो उन्होंने इतना शानदार गाया कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और वे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के सबकॉन्शियस पावर्स पर बिलीव किया। दोस्तों, आगे लेखक कहते हैं कि एक कैप्टन एक जहाज का मालिक होता है। मतलब
एक बार समुद्र में जाने के बाद जहाज का पूरा कंट्रोल केवल कैप्टन के पास होता है और बाकी लोग उसके ऑर्डर्स को मानते हैं। इसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे जहाज मतलब हमारे शरीर का कैप्टन होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड अपने विश्वास और एक्सपीरियंसेस के बेस पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर्स देता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे चुपचाप मान लेता है। वो सवाल नहीं करता या ये नहीं पूछता कि किस बेस पर कॉन्शियस माइंड ने उसे ये ऑर्डर दिया है। दोस्तों, अगर आप खुद से बार बार ऐसा कहेंगे कि मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मान लेता है और वो इस बात को पक्का कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे ना हो। एक दिन नीना नाम की एक लड़की एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी नजर डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर बैग पर पड़ी। उसने बड़ी आशा से उसे देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वो खुद से कहने ही वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग तो खरीद ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तभी उसे इस पुस्तक के लेखक जोसेफ मर्फी के एक लेक्चर की बात याद आ गई कि कभी भी किसी नेगेटिव सेंटेंस को पूरा मत करना, इसे उसी समय पलटकर पॉजिटिव बना दो और चमत्कार होता देखो। फिर नीना ने अपने वाक्य को सकारात्मकता में बदलते हुए कहा कि ये बैग मेरा है, ये बेचने के लिए ही तो यहाँ है। मैं मानसिक रूप से इसे एक्सेप्ट करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसे मुझे दिलाने में मेरी मदद करेगा। और अब चमत्कार देखिए, उसी शाम नीना एक रेस्टोरेंट में अपने मंगेतर से मिली। वो रैपर में लिपटा एक गिफ्ट लाया था। नीना ने उसे खोला और उसमें से वही सुंदर बैग निकला जिसे उसने दोपहर में शॉप पर देखा था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी इस इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया था, जिसके पास कुछ भी हासिल करने की शक्ति है। दोस्तों, इस तरह इस बुक के पहले पाठ का अंत होता है। इसमें हमने सीखा कि जीवन का नियम विश्वास का नियम है और ये विश्वास आपके दिमाग का विचार है। उन चीजों में बिल्कुल विश्वास ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों पर विश्वास करें। ये विश्वास रखें कि ये आपका इलाज करेगी, आपको इंस्पायर करेगी और आपको शक्तिशाली बनाएगी। आप जैसा विश्वास करेंगे ये आपको वैसा ही फल देगी। बस अपने विचारों को बदल लें, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं कि पाठ दो, जिसका नाम है आपका दिमाग कैसे काम करता है, में लेखक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, अब तक आपने ये तो जान लिया कि हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, चेतन और अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और इसकी शक्तियां हमें तभी मिल पाएंगी जब हम इसका उपयोग करना सीख जाएंगे। लेखक कहते हैं कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार करता है तो वो इस पर काम करने लगता है। और हैरानी की बात तो ये है कि चाहे ये विचार अच्छे हों या बुरे, ये दोनों पर समान रूप से काम करता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि अगर नीना यह स्वीकार कर लेती कि यह बैग वह कभी नहीं खरीद सकती, तो वह बैग उसे नहीं मिलता क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके उस नेगेटिव विचार पर काम करने लगता और ऐसी परिस्थितियां बनाता जिससे वो बैग उसका ना हो। लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस बैग को स्वीकारा और शाम तक उसे वो बैग मिल गया। दोस्तों, इसी तरह अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड असफलता, तनाव और दुख की परिस्थितियां बनाएगा। दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोचेंगे, सृजनात्मक सोचेंगे, तो हमें सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। दोस्तों, आगे लेखक ने हमें हमारे कॉन्शियस
और सबकॉन्शियस माइंड के प्रति और भी डिफरेंसेस बताए हैं। वो कहते हैं कि हमें इन दोनों को पूरी तरह से अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो एक ही मस्तिष्क में होने वाले दो अलग अलग एक्टिविटीज के क्षेत्र हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड तार्किक होता है, मतलब संदेह कर सकता है, वह तर्क कर सकता है, प्रश्न कर सकता है, और इसीलिए हम अपने जीवन के सभी फैसले, जैसे पुस्तकें चुनना, जीवन साथी चुनना या घर खरीदने जैसे फैसले कर पाते हैं। वहीं इसी के साथ हमारे शरीर के अनिवार्य काम जैसे हार्ट बीट, रक्त संचार और पाचन क्रिया और सांसें लेने जैसी प्रक्रियाएं हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो छाप छोड़ते हैं, ये उसे वैसा ही स्वीकार भी कर लेता है। मतलब अगर आप मानते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनने देगा। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी मिट्टी है जिसमें हम सभी तरह के बीज बो सकते हैं, चाहे वो अच्छी किस्म के हों या बुरे। इसमें होने वाली फसल आपके बीज पर निर्भर करती है। यहाँ बीज से मतलब आपकी सोच से है और फसल उस सोच के परिणाम से। दोस्तों, आगे लेखक बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो कहते हैं कि आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है, तो वह व्यक्ति उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो हिप्नोटिस्ट एक्सपर्ट उसे कहता है। मतलब अगर वो कहे कि तुम हिटलर हो, तो वो मान लेता है, या अगर वो हिप्नोटिस्ट ये कहे कि तुम कुत्ता हो या बिल्ली हो, तो वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा कि ये करते हैं। कुछ समय के लिए वो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी पर्सनालिटी बदल लेता है। मतलब अगर वो हिप्नोटिस्ट एक्सपर्ट किसी व्यक्ति से कहे कि तापमान 0 डिग्री से भी नीचे है और वो बर्फ की तरह जम गया है, या वो संगमरमर की मूर्ति है, तो वो इसी अनुरूप व्यवहार करने लगेगा। इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि वो हिप्नोटिस्ट हमारे कॉन्शियस माइंड को जैसे रूल करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर वैसा ही व्यवहार करता है। बेशक वो चीज असंभव हो, लेकिन वो उसे सच बना देता है। आगे लेखक कहते हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड को यथार्थवादी मन अर्थात ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध आपकी बाहरी दुनिया से होता है और इसके साधन हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इनसे जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, हमारा कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन उसके आधार पर तर्क और विचार और अनुभव प्राप्त करता है, जबकि हमारा अवचेतन मन कल्पनावादी मन या सब्जेक्टिव माइंड कहलाता है, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों के माध्यम से नहीं बल्कि हमारे अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। दोस्तों, अब लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप डर, चिंता और तनाव या ऐसी अनेकों नकारात्मक सोच से परेशान हैं? इसका इलाज है अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचान कर उसे आजादी, खुशी और संपूर्ण सेहत का आदेश देना, ऑर्डर देना। अब लेखक सुझाव की जबरदस्त शक्ति की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ना ही कुछ सोच सकता है। ये काम चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड का है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तो बस आपके द्वारा छोड़ी गई छाप पर काम करता है। ये सुझाव दे नहीं सकता, बल्कि आपके और किसी और के द्वारा दिए गए सुझाव को सच मानकर उस पर भी काम करने लगता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि डिक्शनरी हमें बताती है कि सुझाव का अर्थ होता है किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालना। अब ये सुझाव जो हमें दिए जाते हैं, ये निर्भर करता है हम पर कि हम इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हमारे कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं,
तो वो व्यक्ति जो हमें ये सुझाव दे रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और हमें बादाम खाना चाहिए या ये नुस्खा अपनाना चाहिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इससे हमारे अवचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड ये जानता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। दोस्तों, अब लेखक हमें आत्म सुझाव यानी सेल्फ सजेशन की शक्ति के बारे में बताते हैं और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। जेनेट आर एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर थी। एक दिन उनका एक ऑडिशन था। वो ऑडिशन के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें खुद पर शक था कि क्या वो अच्छा गा पाएंगी, और वो खुद से कहती रही कि जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बहुत बुरा गाऊंगी, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ, इस आत्म सुझाव यानी सेल्फ सजेशन की वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक सच मान उसी अनुरूप परिस्थितियां बनाने में जुट गया। उस सिंगर का डर हकीकत बन गया और जैसा उसने सोचा सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ। इस घटना के एक हफ्ते बाद उसने ठान लिया कि अब उसे खुद को सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेल्फ सजेशन देना है। वो हर दिन 3 बार खाली कमरे में शांत बैठ आंखें बंद कर खुद को ये सुझाव देती कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ। और एक सप्ताह बाद सचमुच जब उसका फिर से ऑडिशन हुआ तो उसने बहुत अच्छा गाया। इस तरह उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके सेल्फ सजेशन को सच बना दिया। दोस्तों, अब लेखक यहाँ आत्म सुझाव यानी सेल्फ सजेशन का एक और उदाहरण देते हैं। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में भी कहते हैं कि ओह, अब मुझे चीजें याद नहीं रहती, या मैं पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाती हूँ। आप भूल जाते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी बातें सुन रहा है और वो इसे हकीकत में बदल देगा। एक महिला जो चीजें याद रखने में एक्सपर्ट थी, वो स्वयं को यह आत्म सुझाव देती है कि अब धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है, तो वो सच में अपनी याद रखने की क्षमता में परिवर्तन पाती है। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ऐसा उसके नकारात्मक आत्म सुझाव से हो रहा है, तो वो इसे उलट स्वयं को सकारात्मक सुझाव देने लगती है। दोस्तों, अब लेखक बाहरी सुझाव पर बात करते हैं। अक्सर हमें बाहरी लोग भी नकारात्मक सुझाव देते हैं, जैसे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम बिल्कुल गलत हो, और ऐसा ही हजारों। और हम इन्हें स्वीकार कर सच बना देते हैं। हमें तुरंत उसका विरोध करना चाहिए, और इसकी शक्ति आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। पर इसके लिए आपको यह समझना है कि आपको उन्हें अस्वीकार करना है। देखिए, ये बाहरी सुझाव आपको हर जगह मिलेंगे, घर, ऑफिस, दफ्तर, क्लब इत्यादि। पर आपको ये समझना होगा कि उनका उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें जैसा वो चाहते हैं और वैसा ही काम करें, भले ही इससे आपको नुकसान और उन्हें फायदा पहुंचे। दोस्तों, चूंकि आपको पहले भी बताया गया है कि आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता, तो जब आप कहते हैं कि आपको जिम्मेदारी निभानी नहीं आती, या आप ये नहीं कर सकते, या अब आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, या मैं गलत घर में पैदा हो गया हूँ, तो आपका मन इसके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, यहीं पर दूसरे अध्याय का अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि आप अपने अवचेतन मन के कैप्टन हैं और अपनी किस्मत के मालिक हैं। इसीलिए याद रखें कि आपके पास चुनने की शक्ति है। जिंदगी को चुनें, खुशियों को चुनें, सेहत को चुनें, प्यार को चुनें। आइए दोस्तों, देखते हैं कि पाठ 3, जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति, में लेखक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के किन चमत्कारों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने यह तो जान लिया कि हमारा अवचेतन मन यादों को संजोता है, दिल की धड़कन और रक्त संचार को कंट्रोल करता है, हमारी पाचन क्रिया को अंजाम देता है, और इसे सभी समस्याओं के जवाब भी पता है।
यहाँ लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता और कभी आराम भी नहीं करता। यहाँ जोसेफ मर्फी इस घटना के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार अवचेतन मन द्वारा एक भयंकर बीमारी का इलाज किया गया। दरअसल कुछ साल पहले जब वे भारत आए थे तो यहाँ वे मुंबई के एक सर्जन से मिले थे जिनका नाम डॉक्टर जेम्स एस्डल था। एस्डल एक स्कॉटिश सर्जन थे और अब तक उन्होंने सभी तरह के कुल मिलाकर 450 से ज्यादा ऑपरेशन किए थे, जिनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटने और ट्यूमर तथा कैंसर की गांठ हटाने जैसे ऑपरेशन भी थे। दोस्तों, उस समय आज की तरह बेहोश करने की तकनीक नहीं थी, इसीलिए उस समय केवल मानसिक एनेस्थीसिया दिया जाता था। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान भी उनमें से कोई भी नहीं मरा। मानसिक एनेस्थीसिया में मरीज को मानसिक रूप से यह विश्वास दिलाया जाता है कि उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और उनका ऑपरेशन सफल रहेगा। इसमें हमारे अवचेतन मन ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और मरीज में ऑपरेशन के दर्द को सहने की इतनी शक्ति दी कि उसे महसूस भी नहीं हुआ कि उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। इस तरह हमारा अवचेतन मन हमें हर दर्द से मुक्त करा सकता है। सवाल चाहे जो भी हो, हमारा अवचेतन मन सभी सवालों के जवाब जानता है और चमत्कार करता है। दोस्तों, आगे लेखक हमें बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पुस्तक की तरह है। इस पुस्तक में आप जो भी विचार, विश्वास, मत, सिद्धांत या राय लिखते हैं या जैसी छाप छोड़ते हैं, वैसी ही परिस्थितियां घटनाओं के रूप में व्यक्त होती हैं। आप इसके भीतर जो लिखेंगे वही आपको दिखाई देगा। आप इसमें जो भी लिखेंगे उसी पर आपका अवचेतन मन अमल करेगा, किसी प्रकार का बहस नहीं करेगा या सवाल नहीं पूछेगा। आगे लेखक हमसे कहते हैं कि जब भी हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। अब लेखक स्वयं के उदाहरण से बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने चर्म रोग यानी स्किन डिजीज को ठीक किया। इस पुस्तक को लिखने से 40 साल पहले लेखक को एक बार चर्म रोग हुआ था। चर्म रोग अर्थात स्किन डिजीज। वो सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गए और उन डॉक्टरों ने सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उनका इलाज किया, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ और लेखक की स्थिति बिगड़ती चली गई। एक दिन वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास गए। साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें समझाया कि हमारे शरीर का निर्माण हमारा अवचेतन मन करता है, इसीलिए वही इसे दोबारा ठीक भी कर सकता है। बस इसके लिए आवश्यकता है तो केवल उस सकारात्मक और आदर्श सोच की जो लेखक को उसके अवचेतन मन तक पहुंचाना है। अब लेखक को साइकोलॉजिस्ट की बात पूरी तरह से समझ आ गई थी और उन्होंने अपने अवचेतन मन के लिए एक सीधी प्रार्थना तैयार की। उन्होंने स्वयं से कहा कि मैं जानता हूँ कि इस समय मेरे भीतर अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जानती हैं कि मेरा इलाज कैसे करना है, और इसी शक्ति ने मेरे शरीर के सभी अंग, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ बनाई हैं, और मैं इस शक्ति का धन्यवाद देता हूँ जो मुझे संपूर्ण बना रही हैं। लेखक ने इस प्रार्थना को प्रतिदिन 2 से 3 बार जोर जोर से दोहराया और 3 महीने बाद उनका चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर चकरा गए, लेकिन लेखक जानते थे कि उनके साथ किस शक्ति का चमत्कार हुआ था। दोस्तों, चिंता, डर और तनाव हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं डाल हमारे शरीर को अलग अलग रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स आजकल तनाव संबंधी बीमारियों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार लेखक यहाँ एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताते हैं कि किस प्रकार एक महिला ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी आंखों की रोशनी वापस पाई। डॉक्टरों ने भी उनकी आंखों को जवाब दे दिया था, लेकिन जब वो एक धर्म स्थल पर इस आस्था से गई कि वो ठीक हो जाएगी,
तो उन्होंने वहां का पानी अपनी आंखों पर लगाया और स्वयं पर विश्वास रखा। नतीजतन उनके अवचेतन मन ने उनकी आंखों की मरी हुई कोशिकाओं को फिर से जीवित कर दिया और वो देखने लगी। इस चमत्कार ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया और डॉक्टरों ने जब उनकी रिपोर्ट को देखा तो उन्होंने पाया कि अब उनकी कोशिकाएं ठीक हो रही थीं और ऐसा उनके अवचेतन मन की शक्ति के कारण हुआ था। दोस्तों, यहीं पर तीसरे पाठ का अंत होता है जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार हम अपने अवचेतन मन का प्रयोग स्वयं को सेहतमंद बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भयंकर जानलेवा बीमारियों के इलाज में भी इसकी शक्ति कारगर है। बस जरूरत है तो केवल अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देने की, जिस पर काम कर वो उसे सच्चाई और चमत्कार में बदल देगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि पाठ चार, जिसका नाम है प्राचीन काल में मानसिक उपचार में, लेखक हमारे अवचेतन मन के किन आयामों के बारे में बात करते हैं। लेखक ने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का गहन अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि पुराने समय में लोगों को एक ऐसी शक्ति पर विश्वास हुआ करता था जो यह मानती थी कि वो भयंकर से भयंकर बीमारी को ठीक कर सकती है, और सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि भी करता है। और ये शक्ति पुजारियों और धर्मगुरुओं के पास होती थी जिनसे वे बीमारियों का इलाज करते थे। दुनिया भर में अंतर केवल इतना था कि इनके तरीके अलग अलग थे, लेकिन जो एक चीज समान थी वो ये थी कि इनमें ईश्वर की आराधना शामिल होती थी। इसके अलावा लोग जंतर, तावीजों, अंगूठियों और तस्वीरों तथा मंत्रों का भी प्रयोग करते थे। लेखक अब हमसे एक सवाल पूछते हैं कि दुनिया के सभी हिस्सों में बिना किसी तकनीक के वो इलाज सफल कैसे हुए, और इसका जवाब आसान है। जी हाँ, इलाज इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि रोगी के उन धर्मगुरुओं और पुजारियों पर अंधे विश्वास ने उनके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति को आजाद कर दिया। इसके बाद लेखक दुनिया भर के ऐसे अनेकों धर्म और स्थलों का जिक्र करते हैं जहां रोगियों का उपचार किया जाता है, और ये उपचार अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। लेखक बताते हैं कि जब एक रोगी आस्था से जुड़कर स्वयं के अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देता है तो चमत्कार होता है। अब लेखक अपने एक रिश्तेदार का उदाहरण देते हैं जो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्हें एक बार टीबी हो गया था और उनके फेफड़े खराब हो गए थे। उनके बेटे ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता को बताया कि वो हाल ही में एक शक्तिशाली सन्यासी से मिला था। ये सन्यासी यूरोप के प्रसिद्ध धर्म स्थल का उपचारक था। उस सन्यासी के पास एक अंगूठी थी जिसे छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक हो रहे थे। जब उसने उस सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उनसे अंगूठी उधार मांगी तो सन्यासी तैयार हो गया। जब बेटे ने अपने पिता को वो चमत्कारी अंगूठी दिखाई तो उन्होंने झट से वो अंगूठी उनके हाथ से ले ली और उसे अपने सीने से लगाया और मन ही मन प्रार्थना कर सो गए। सुबह तक वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और रिपोर्ट्स बता रही थी कि अब उन्हें टीबी नहीं है। लेखक कहते हैं कि इस तरह के चमत्कार होते रहते हैं और ये हमारे अवचेतन मन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि बेटे ने अपने पिता को जिस अंगूठी के बारे में बताया था और वो पूरी कहानी सुनाई थी, वो सब कुछ पूरी तरह से मनगढ़ंत थी और उसने वो अंगूठी फुटपाथ से एक सामान्य टुकड़ा समझकर उठा लिया था। फिर उसने वो अंगूठी अपने पिता को दे दी थी। दोस्तों, अब तो आप ही समझ गए होंगे कि उनके पिता का उपचार किस शक्ति ने किया था। वो कोई चमत्कारी अंगूठी नहीं थी, बल्कि चमत्कार तो उनके विश्वास का था जिस पर उनके अवचेतन मन ने काम कर दिया था। दोस्तों, अब लेखक हमारे अवचेतन मन के शाश्वत औपचारिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है?
मतलब ये कि वो सिद्धांत जो पूरी दुनिया में समान रूप से लागू होते हैं और हर परिस्थिति में सच होते हैं। इस बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी जाना कि किस प्रकार एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके हम उसमें किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा कर सकते हैं। यदि उसे कहा जाए कि उसे लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता, तो वो वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घास से एलर्जी है और जब हम उसे हिप्नोटाइज करके किसी कागज के फूल को घास समझने को कहें, तो उसमें तुरंत एलर्जी के सभी लक्षण प्रकट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा उस कागज के कारण हुआ या उस सुझाव के कारण जो उसे हिप्नोटिस्ट ने दिया? दोस्तों, इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि ये लक्षण हमारे अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे और इनका इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। अवचेतन मन पर दुनिया भर के विभिन्न लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनमें एक विचार यह भी है कि यह आस्था से जुड़ी होती है और आस्था चमत्कार करती है। ये सच्ची हो या झूठी, हमेशा चमत्कार करेगी। ऐसे ही आस्था के दो और उदाहरण लेखक हमारे सामने पेश करते हैं। वो बताते हैं कि बर्नहीम नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें एक आदमी की कहानी सुनाई जिसकी जीभ में लकवा मार गया था। बर्नहीम एक डॉक्टर था। हर तरह के इलाज का उस व्यक्ति पर कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए बर्नहीम नाम के उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति को बताया कि उसे एक नई तकनीक मिली है जिससे उसकी जीभ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उन्होंने केवल एक साधारण थर्मामीटर उनकी जीभ पर लगा दिया और मरीज को लगा कि शायद यही वह तकनीक है जो उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। कुछ ही पलों में वो खुशी से चिल्लाने लगा, क्योंकि अब वह सफलतापूर्वक अपनी जीभ को घुमा सकता था। दोस्तों, आप ही समझ जाइए कि ये चमत्कार उस साधारण से थर्मामीटर का था या उस व्यक्ति के विश्वास का, जिसका प्रभाव उसके अवचेतन मन के चमत्कार के रूप में व्यक्त हुआ। इसी तरह डॉक्टर बर्नहीम एक और उदाहरण लेखक को बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार उनके ऑफिस में एक युवती आई। उसकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। जब उन्होंने जांच किया और उसे विश्वास दिलाया कि बिजली के प्रयोग से उनकी आवाज वापस आ सकती है, और ऐसा कह उन्होंने अपने इंडक्शन एपरेटस से उसके गले को थोड़ा सा हिलाया और कहा कि अब तुम बोल सकती हो। इसके बाद उन्होंने ए बी सी और फिर अपना नाम बोलने को कहा और उस युवती ने साफ साफ बोला, उसकी आवाज वापिस लौट आई थी। यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि चमत्कार किसका था, उस साधारण से बिजली के यंत्र का या फिर उसके विश्वास का कि वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये आप पर छोड़ती हूँ। दोस्तों, यही पर चौथे पाठ का अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि इलाज की केवल एक प्रक्रिया है और वो है आस्था, और इलाज की केवल एक ही शक्ति है जिसका नाम है आपका अवचेतन मन। चाहे आपकी आस्था सच्ची हो या झूठी, आपको इसके परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन उस आस्था पर काम करेगा और अगर वह सकारात्मक है तो चमत्कार जरूर होगा। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पाठ की तरफ, जो है पाठ 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। दोस्तों, पिछले पाठ में आपने जाना कि प्राचीन समय में किस प्रकार मानसिक उपचार द्वारा चमत्कार किया जाता था, लेकिन अब हम जानेंगे कि आज के समय में वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मानसिक उपचार किया जाता है। मानसिक उपचार यानी आपको ठीक करने के लिए आपके मन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि उपचार की ये शक्ति आखिर रहती कहाँ है, तो इसका जवाब है ये शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में रहती है। लेखक कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर घाव पर पट्टी बांध देता है, लेकिन ईश्वर उसे ठीक करता है। दोस्तों, लेखक का मानना है कि जब तक रोगी के मन में जीने की आशा ना हो, तब तक दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर उसका इलाज करके उसे ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए डॉक्टर कभी किसी मरीज को ठीक नहीं करता, बल्कि वह स्वयं रोगी है
जो खुद को ठीक करता है। यहाँ डॉक्टर केवल उस अवरोध को हटाने की भूमिका निभाते हैं जो उसे ठीक होने से रोक रही है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक उसके मानसिक अवरोध को हटाता है ताकि उसके अवचेतन मन में ठीक होने की शक्ति एक्टिव हो सके, और इसी तरह एक सर्जन उसकी शारीरिक अवरोध को हटाता है ताकि उसके ठीक होने की शक्ति सामान्य ढंग से काम करने लगे। दोस्तों, यहाँ लेखक कहते हैं कि उपचार की शक्ति केवल एक ही होती है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हम इसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर आदि कहते हैं, लेकिन इन सब का इशारा एक ही ओर होता है, और वो है हमारा अवचेतन मन। दोस्तों, आज के समय में मानसिक इलाज इस सच्चाई पर निर्भर करता है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप काम करेगा और आपको शक्ति देगा। ईसाई धर्म के पादरी भी इस सिद्धांत का प्रयोग चिकित्सा के लिए करते हैं। आगे पुस्तक में विश्वास के नियम की बात की गई है, जिसमें लेखक कहते हैं कि जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, लेकिन ऐसी चीज में विश्वास करना पागलपन है जो आपको चोट या नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आपका अवचेतन मन उसे सच में बदल देगा। आज के समय में प्रार्थना चिकित्सा यानी प्रेयर थेरेपी से भी मानसिक उपचार किया जाता है, इसीलिए लेखक अब हमें इसके पीछे का विज्ञान समझाते हैं। इसके अंतर्गत आपको अपने मन में एक ऐसी तस्वीर या विचार या योजना की कल्पना करनी होती है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं, और इस कल्पना को जब आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो आप इसे सच समझने लगते हैं, और जब पूरी आस्था से आप इस पर विश्वास रखते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। इसे ही प्रार्थना चिकित्सा अर्थात प्रेयर थेरेपी कहा जाता है। अब मान लीजिए आप प्रेयर थेरेपी से किसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपकी बीमारी जो भी हो वो केवल आपके भयानक नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचारों के कारण हुई है, और आपको विश्वास है कि यदि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल देंगे तो यकीन मानिए आप ठीक हो जाएंगे, और ये चमत्कार आपके साथ भी होगा। इस थेरेपी में आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपके पास हर बीमारी के इलाज की शक्ति है, और आप इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं, और आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है, और अंततः आप पूरी तरह से ठीक होकर अपने भीतर के नकारात्मक विश्वासों को हरा देते हैं। दोस्तों, यहाँ लेखक हमें आस्था उपचार यानी फेथ हीलिंग के बारे में भी बताते हैं और समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन किस प्रकार अंधी आस्था से शक्ति प्राप्त करता है। आस्था उपचार का मतलब इलाज करने का ऐसा तरीका है जिसमें आपकी आस्था का इस्तेमाल किया जाता है, और ये इलाज वो व्यक्ति करता है जिसे लोग समझते हैं कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो उन्हें ठीक कर देगा। इस तरह उनकी अंधी आस्था यानी उनका ब्लाइंड फेथ उन्हें ठीक कर देता है। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की आस्था का प्रयोग इलाज के लिए करते हैं उन्हें आस्था उपचारक कहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये अपने रोगियों का इलाज नृत्य, मंत्र और आत्माओं को बुलाकर ऐसे अनेकों तरीकों से करते हैं। इसके अलावा रोगी व्यक्ति को किसी खास चिन्ह को छूकर, अगरबत्ती या धूप दीप जलाकर या फिर जड़ी बूटियों के काढ़े को पिलाकर ठीक करने का प्रोसेस किया जाता है। मतलब जो भी चीज रोगी को उस तरीके में सच्चा विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है, वही विश्वास उसके इलाज को संभव बनाती है। लेखक कहते हैं कि जो भी चीज आपको डर और चिंता से दूर हटाकर आस्था और विश्वास की ओर ले जाएगी वही आपका इलाज करेगी। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि यह तो हमने जान लिया कि प्रार्थना जब हम स्वयं के लिए करते हैं तो यह 100% काम करती है, बशर्ते कि वह प्रार्थना वैज्ञानिक हो। लेकिन क्या यह प्रार्थना दूसरों के लिए काम करती है? आइए एक उदाहरण के माध्यम से लेखक हमें
क्या समझाने का प्रयास करते हैं जानते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आपको यह सूचना मिलती है कि आपकी माँ न्यूयॉर्क में रहती हैं, जो बहुत बीमार हैं। तो सबसे पहले तो आप यही सोचेंगे कि आपको तुरंत अपनी माँ के पास जाना होगा। लेकिन अगर ये संभव नहीं हुआ तो, यानी आप अपने घर परिवार और नौकरी छोड़कर जाने में सक्षम ना हो पाए, तो क्या आपकी आस्था की शक्ति आप अपनी माँ के लिए प्रयोग कर सकते हैं? लेखक कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। वो बताते हैं कि भले ही आप उनके पास शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक जरूर पहुंचेंगी, क्योंकि परमपिता हम सबके अंदर रहते हैं। रचनात्मक मस्तिष्क एक है, हमें तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य की आस्था भरनी है और इसकी प्रतिक्रिया अपने आप होती है। मस्तिष्क के इस सिद्धांत में समय या स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मस्तिष्क आपकी माँ में और आप में समान रूप से काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहें। अब लेखक हमें अनुपस्थित उपचार यानी एब्सेंट ट्रीटमेंट का एक उदाहरण देते हैं, जो लॉस एंजलिस में घटित हुआ था। एक महिला को जब यह पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उनकी माँ एक भयंकर हृदय रोग से पीड़ित हो गई हैं और वो अपनी माँ के पास नहीं जा सकती, तो उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। आइए बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ के लिए क्या प्रार्थना की जो सफल हुई। उन्होंने प्रार्थना की कि उपचार करने की शक्ति मेरी माँ के पास है, मैं अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और जिस शक्ति ने मेरी माँ के शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, मैं उस शक्ति को उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही हूँ और उनकी कोशिकाओं की शांति की कामना करती हूँ। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन ईश्वर कर रहे हैं और जो भी मेरी माँ को छू रहे हैं, उन्हें सही काम करने का आदेश मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि रोग सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी का इलाज नहीं हो पाता। मैं प्यार और जीवन की समर्थक हूँ। मैं यह आदेश देती हूँ कि मेरी माँ के शरीर में सेहत और शांति व्यक्त हो। उस महिला ने इस प्रार्थना को कई बार दोहराया और कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर्स हैरान थे और उन्होंने महिला को उसकी आस्था के लिए बधाई दी। दोस्तों, इसके बाद लेखक एक और उदाहरण देते हैं, जिसमें एक रोगी ने आस्था की शक्ति से स्वयं के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज किया और जब रिपोर्ट देखी गई तो पता चला कि सचमुच अब उसके शरीर में कैंसर की एक भी कोशिकाएं नहीं थी। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार यह शक्ति प्रार्थना के लिए काम करती है, ठीक उसी प्रकार यह उन नकारात्मक बातों पर भी काम करती है जिसकी रट जब आप बीमार होते हैं या दर्द में होते हैं तो लगाते रहते हैं। अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाने से अवचेतन मन इनकी शक्तियों को बढ़ा देता है और आपको अपने दैनिक जीवन में काम करने से रोकता है। इसीलिए लेखक एक बार फिर से हमें कुछ भी नकारात्मक सोचने से सावधान करते हैं और यहीं पर उनके पांचवें पाठ का अंत होता है। इसमें हमें लेखक उन चीजों का पता लगाने के लिए कहते हैं जो हमारा इलाज करती हैं और उन पर विश्वास करने का आग्रह करते हैं जो हमारे अवचेतन मन को हमारा इलाज करने की शक्ति देती हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं पाठ 6 की तरफ, जिसका नाम है मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। इस पाठ में लेखक उन तकनीकों और सही विधियों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल आप ऐसी प्रार्थना करने में लगा सकते हैं जिनसे चमत्कार होता है। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी संयोग से नहीं होता, ये दुनिया नियम कायदे की है। अगर आप गलत तकनीक से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना हवा में गुब्बारे की तरह लटकती रहेगी। इसीलिए लेखक चाहते हैं कि हम वैज्ञानिक प्रार्थना करें जो सही जगह पर पहुंचे और उनका चमत्कार हमें हमारे जीवन में दिखाई दे। प्रार्थना अलग अलग तरीकों से की जाती है,
लेकिन लेखक ने पुस्तक में अलग अलग धर्म की विधियों पर प्रकाश डालने की बजाय उनके प्रभावी तरीकों और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की आदत पर ध्यान केंद्रित किया है। वो कहते हैं कि प्रार्थना हमारी आत्मा की सच्ची मनोकामना होती है और यह सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और जीवन में आप जो पाना चाहते हैं उन चीजों को साकार करती है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक प्रार्थना हमारे सकारात्मक विचार को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाने की तकनीक है, जिसमें हम अपने अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं। पुस्तक में आगे लेखक हमारे अवचेतन मन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहते हैं। जिस प्रकार घर बनवाते समय उसके ब्लूप्रिंट में हम रुचि लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपना मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। अगर हमारी मानसिक ब्लूप्रिंट में डर, तनाव और चिंता है तो हमारे जीवन में थकान, चिंता और नकारात्मकता ही प्रकट होगी। इसीलिए हमें अपने अवचेतन मन के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए जो शांति, खुशी और सद्भाव का एहसास कराए, और फिर हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उन चीजों को संभव बनाएगा जो भी आपने उस ब्लूप्रिंट में लिए हैं। दोस्तों, अब लेखक हमें सच्ची प्रार्थना और इसे करने की वैज्ञानिक कला के बारे में बताते हैं। वो एक पंक्ति कहते हैं कि मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा। इसका अर्थ है कि हम जो भी चीजें मांगेंगे वो हमें मिल जाएंगी। जब खटखटाएंगे तो हमारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे और जिसे हम खोज रहे हैं उसे पा लेंगे। लेकिन आपको उन्हें पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। हमें मन में उसकी तस्वीर बनानी होगी, तभी हमारे अवचेतन मन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे सच कर सकती है। इस तस्वीर को हमें पूरी निष्ठा से बनाना होगा, हमें इसे अपनी कल्पना में गढ़ना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसकी एक तस्वीर बनाते हैं, फिर वो उसे उस भाव से देखते हैं जैसे वे उसे बनता देखना चाहते हैं और कुछ दिनों बाद इमारत बनकर तैयार हो जाती है। लेखक कहते हैं कि वो भी इस तकनीक का प्रयोग करते हैं जब कभी उन्हें मंच पर जाना होता है। भाषण देने से पहले वो पूरे सभागार की एक काल्पनिक तस्वीर अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि जितने भी लोग उन्हें सुनने आए हैं उन्हें लेखक को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। उनका मन प्रेम और सुंदरता से भरा है और इसके बाद वो पूरी तस्वीर को मुक्त कर देते हैं और मंच पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब लेखक प्रार्थना की एक और विधि का जिक्र करते हैं जिसका नाम है मानसिक फिल्म विधि। दोस्तों, आप में भी ये कहावत सुनी होगी कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। इस विधि में हम अपनी दुनिया में अपने लिए जैसी स्थिति चाहते हैं उसे एक फिल्म की तरह बनाकर अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। अब लेखक इस विधि का एक चमत्कारी उदाहरण देते हैं जो स्वयं उन्हीं के साथ घटित हुआ। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्हें एक लेक्चर टूर पर जाना था और इस सिलसिले में उन्हें बहुत सारे राज्यों में जाना पड़ा। वो किसी इलाके में एक परमानेंट जगह चाहते थे ताकि वहां से वो आसानी से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। उन्होंने दूर दूर तक सफर किया लेकिन उन्हें परमानेंट जगह नहीं मिली। एक रात जब वो थक गए तो उन्होंने अपने होटल के कमरे में पलंग पर सोते समय यह कल्पना की कि वो बहुत सारे लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं और वो लोगों से कह रहे हैं कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई और मैंने इतने अच्छे अवसर के लिए प्रार्थना की थी। लेखक कहते हैं कि जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई भीड़ नहीं थी, पर वो इस बात से संतुष्ट थे कि उनकी ये फिल्म उनके अवचेतन मन तक पहुंच चुकी थी और अब वो अपने तरीके से इसे सच में बदल देगा। अगली सुबह जब वो जागे तो उन्हें एक संस्थान से फोन आया।
जो कह रहे थे कि वो लेखक को अपना डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। लेखक ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और कई साल तक वहाँ बहुत ही आरामदायक काम किया। वो कहते हैं कि अगर आपकी मानसिक तस्वीर और फिल्म में आपकी आस्था है तो वो 100% हकीकत बन जाएगा। दोस्तों, अब लेखक प्रार्थना की एक और विधि का जिक्र करते हैं जिसका नाम है बोडोइन तकनीक। इस तकनीक का नाम बोडोइन इसीलिए है क्योंकि नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के एक साइकोथेरेपिस्ट जिनका नाम चार्ल्स बोडोइन था ने यह पाया कि अब अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका नींद की अवस्था में पहुंचने पर अपनी बात पहुंचाना है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर के बहुत सारे प्रयास कम हो जाते हैं और चिंतन द्वारा हम शांति से अपनी बात अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। लॉस एंजलिस में रहने वाली एक युवा विधवा ने भी इस तकनीक से किस प्रकार अपनी जायदाद वापस ली, इसकी कहानी सुनिए। लॉस एंजलिस में रहने वाली इस युवा विधवा के अपने परिवार के साथ संबंध बिगड़ गए थे और उनके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उनके नाम कर दी थी। उनके बच्चों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया। जब इस विधवा ने लेखक से मदद मांगी तो उन्होंने उन्हें बोडोइन तकनीक बताई। विधवा ने ऐसा ही किया, उनींदी अवस्था में अपने अवचेतन मन तक यह बात पहुंचाई कि जो हुआ ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हुआ और लगातार 10 दिनों तक उन्होंने पूरे विश्वास से इसे दोहराया। 11वें दिन उन्हें अपने वकील का फोन आया जिन्होंने कहा कि उनके बच्चों ने मुकदमा वापस ले लिया है और समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सचमुच चमत्कार था क्योंकि उनींदी अवस्था में हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद हमें अवचेतन मन तक हर वो बात पहुंचा देनी चाहिए जिनसे हमें लाभ हो, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है। दोस्तों, इसके बाद लेखक हमें प्रार्थना के लिए सकारात्मक घोषणा यानी पॉजिटिव अनाउंसमेंट के तरीके बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमें प्रार्थना में निरर्थक दोहराव नहीं करना चाहिए। सकारात्मक घोषणा इतनी शक्तिशाली है कि यह आपके अवचेतन मन पर बिल्कुल स्पष्ट छाप छोड़ती है। लेखक ने यह सकारात्मक घोषणा तब की थी जब उनकी बहन का ऑपरेशन होने वाला था। उन्होंने पूरी शांति और सद्भाव से अपनी बहन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह प्रार्थना मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है और पूरी तरह से शांत। उसके शरीर की हर कोशिका और मांसपेशियां बदल रही हैं और यह बदलाव उसके अवचेतन मन के ब्लूप्रिंट के अनुसार हो रहा है। उसके अंदर नदी की तरह जीवन बह रहा है। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है और शांति तथा प्रेम का समुद्र उसके भीतर की बीमारियों को धो रहा है। 2 सप्ताह के भीतर उनकी बहन पूरी तरह से ठीक हो गई और आश्चर्यजनक बात ये थी कि अब उसके रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं थी। डॉक्टर ने उसे कहा कि उसकी हालत में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है और अब उन्हें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये चमत्कार लेखक की प्रार्थना का था जिन्होंने इस सकारात्मक प्रार्थना को उनके अवचेतन मन तक पहुंचाया था। लेखक कहते हैं कि हमें तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहना चाहिए जब तक कि हमें संतुष्टि ना मिल जाए। इसके बाद लेखक प्रार्थना की एक और विधि बताते हैं जिसका नाम है तर्कपूर्ण विधि। वो बताते हैं कि इसमें हम मरीज और खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बीमारी उनके अवचेतन मन के झूठे विश्वास और डर के कारण है। इसमें हम अपने मस्तिष्क से तर्क करते हैं और रोगी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसकी बीमारी उसके नकारात्मक विचारों के कारण है और यदि वो इन विचारों को बदल दे तो उसका इलाज किया जा सकता है। इसमें हम रोगी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसके विचारों का बदलाव ही उसके उपचार का आधार है। आगे लेखक हमें बताते हैं कि जब हम इस प्रार्थना को ईश्वर से जोड़ते हैं
तो ये और भी शक्तिशाली हो जाती है और हमारे अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ती है। प्रार्थना करते समय जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो उसमें सद्भाव, शांति और सेहत की भावना आती है। दोस्तों, छठे पाठ का यहीं पर अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक किस प्रकार अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करके हम अपनी भावनाओं को अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं और जीवन में चमत्कार पाते हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 7, जिसका नाम है अवचेतन मन का झुकाव जीवन की तरफ होता है। हमारे जीवन में 90% से भी ज्यादा भूमिका हमारे अवचेतन मन की होती है। अगर हम इसकी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा जीवन सीमाओं में बंधा रहता है। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है और इसके लिए सबसे जरूरी कामों को अंजाम देता है। ये हमारी मदद करता है और हमें नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन हमसे अनुभूतियों, प्रार्थना और मनोकामनाओं के जरिए बात करता है। ये हमेशा हमें प्रेरित करता है। यदि एक बार हमने अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जान लिया और उसके साथ सामंजस्य बना लिया तो हमारे जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। इसके बाद लेखक हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमारा अवचेतन मन वैज्ञानिक तरीकों से अपनी कार्य विधि को अंजाम देता है, यानी काम करता है। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड सोचा गया और सच माना गया हर विचार हमारे कॉर्टेक्स द्वारा दिमाग के हर भाग तक भेजता है। ये हमारे अवचेतन मन का साथ देते हैं और अवचेतन मन इस पर काम करने लगता है और हमारे संसार में इन चीजों को वास्तविकता में बदल देता है। हमारी बुद्धि हमारे शरीर की देखभाल करती है। लेखक कहते हैं कि जब हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कोशिकाओं का समूह एक सामूहिक बुद्धि का निर्माण करती है, ताकि हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा भेजा गया हर आदेश सामंजस्य के साथ पूरा हो। कई लोग कहते हैं कि बुद्धि हमारे शरीर की रक्षा करती है, बशर्ते कि हम इसे अपना काम करने दें। लेकिन हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड इसमें हस्तक्षेप करता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बाहर की दुनिया से संपर्क रखता है और डर, झूठे विश्वास इत्यादि द्वारा नकारात्मक विचार उत्पन्न करने लगता है। इस वजह से हमारे अवचेतन मन के पास इस पर काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। हम चाहें या ना चाहें, हमारा अवचेतन मन दिन रात काम करता है। इसका झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 महीनों में हमारा शरीर नया बन जाता है। इसका अर्थ है कि आप शारीरिक रूप से केवल 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, गुस्सा, जलन और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोष और रोग लाते हैं तो इसके लिए केवल आप ही दोषी और जिम्मेदार हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी करना है, ठंड से बचने का तरीका गर्मी है, इसी प्रकार नेगेटिव सोच से बचने का तरीका पॉजिटिव सोचना है। अपने अवचेतन मन में अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारे जीवन में सेहतमंद और स्वस्थ होना तो स्वाभाविक है और ये हमारे शरीर की सामान्य प्रक्रिया का सूचक है, लेकिन हमारा बीमार होना असामान्य है और इसका यह भी मतलब है कि आप जीवन की दिशा में उल्टी तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं। हमारे जीवन का नियम विकास का नियम है। यदि आपकी सोच और आपके विचार आपके अवचेतन मन में सामंजस्य नहीं बना पा रहे तो यह विचार आपसे चिपक जाएंगे और आपको सताने लगेंगे। इससे आपको परेशानी होगी और अंत में ये बीमारी पैदा करेंगे। इसीलिए जल्द से जल्द अगर इन विचारों को नहीं छोड़ा गया तो शायद ये मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। अब पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है
जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने अपनी रीढ़ की टीबी को अपनी अवचेतन मन की शक्ति से ठीक किया। इंडियाना में रहने वाले एंड्रयूज को ये बीमारी हो गई थी। वो अपाहिज हो गया था और अपने हाथों और घुटनों के बल चलता था। डॉक्टरों ने भी उसकी बीमारी को जवाब दे दिया था, लेकिन एंड्रयूज ने हिम्मत नहीं हारी। वो प्रार्थना करने लगा और उसने अपने अवचेतन मन में सकारात्मक घोषणा की और इसे दिन में कई बार दोहराया और दूसरों के लिए भी प्रार्थना की। वो कहता था कि मैं पूर्ण, शक्तिशाली और सशक्त हूँ। स्वयं के लिए और दूसरों के लिए नई प्रार्थना का फल कई गुना होकर उसके पास लौटा। जब भी उसके मन में नकारात्मक भावनाएं आती, वो तुरंत सकारात्मक सोचने लगता और इसी का परिणाम यह हुआ कि उसके अवचेतन मन ने चमत्कार कर दिया और वो पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त बन गया। दोस्तों, यहीं पर सातवें पाठ का अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि हमारा अवचेतन मन जीवन की ओर झुका हुआ होता है और प्रतिदिन 24 घंटे काम करता है। इसीलिए अपनी नकारात्मक सोच से हमें इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ, यानी अध्याय 8, जिसका नाम है मनचाहे परिणाम कैसे पाएं। पाठ की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति यह बात जानता है कि सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती, और जिन लोगों की प्रार्थनाएं सफल नहीं होती, वो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थनाएं काम ही नहीं करती। लेखक कहते हैं कि एक सफल प्रार्थना करने के लिए हमें उसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। यदि हमें अपनी प्रार्थनाओं के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? लेखक बताते हैं कि ऐसे में हमें उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिससे हमारी प्रार्थना असफल हुई। यह कारण या तो विश्वास की कमी हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा कोशिश। कई लोग अवचेतन मन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से नहीं समझ पाते और अपनी प्रार्थना को खुद असफल कर देते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपका अवचेतन मन किसी भी बात को स्वीकार करता है और उस पर तुरंत काम करने लगता है और उसके लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। अगर आप नकारात्मक बातें ही सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक और सद्भावपूर्ण हैं, तो आपको सही जवाब जरूर मिलेगा। याद रखें, अपने अवचेतन मन पर किसी भी काम को करने का जबरदस्ती दबाव न डालें। ऐसे में आप असफल हो जाएंगे और जो परिणाम आप चाहते हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। अवचेतन मन आस्था पर काम करता है, आपके दबाव डालने पर नहीं। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही मन में यह भी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, या मैं उलझन में हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरी इच्छा कभी पूरी होगी, तो आपके अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। ऐसे में आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में आपका अवचेतन मन ठीक उसी तरह बौखला जाएगा जिस तरह आप टैक्सी में बैठे किसी ड्राइवर को एक दर्जन अलग अलग जगह बता दें और कहें कि वे आपको सभी जगहों पर एक साथ ले जाए, तो वो दुविधा में पड़ जाएगा। अवचेतन मन की असीमित शक्तियों के साथ काम करते समय आपके मन में केवल एक स्पष्ट विचार और उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अपने अवचेतन मन को काम करने का भरपूर समय दें। ये आराम से काम करता है। अवचेतन मन सबसे समझदार है और हमारे शरीर का मास्टर। ये किसी भी अंग को ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके जानता है। इसीलिए आप केवल आदेश दें जो सकारात्मक हो और वो अपना काम अच्छी तरह से करेगा। लेखक का मानना है कि अवचेतन मन के साथ काम करते समय हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे तस्वीर की कल्पना करनी चाहिए जिसमें हम स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं और स्वतंत्र हैं। नकारात्मक विचारों के आने पर इनका प्रतिरोध करें। एक छोटे बच्चे की तरह सरल आस्था रखें।
और आप पाएंगे कि आपके अवचेतन मन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन यह कल्पना अनुशासित होनी चाहिए। यहाँ लेखक बाइबल ग्रंथ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उसमें भी साक्षात लिखा है कि आप प्रार्थना में जो भी मांगे वह आपको विश्वास करने पर जरूर मिलेगा। यहाँ अनुशासित कल्पना से मतलब है ऐसी कल्पना करना जो वैज्ञानिक हो और हमारे अवचेतन मन तक पहुंच रही हो। प्रार्थना में सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति इन तीन बातों पर अमल करता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य सफल होगी। किसी भी समस्या को स्वीकार करना चाहिए। अब इस समस्या को हमें अपने अवचेतन मन के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे अच्छा समाधान जानता है। अब हमें अपने अवचेतन मन पर विश्वास रखना है और आस्था रखनी है कि यह काम ठीक हो जाएगा। इन तीन बातों को मानने के बाद चमत्कार होगा। सेहतमंद होने के लिए अपने इस विचार को केवल अपने अवचेतन मन तक पूरी आस्था के साथ पहुंचा दें। इसके बाद आप आराम से बैठ जाएं और खुद को इसकी शक्ति के हवाले कर दें। हर स्थिति में कहें कि सब ठीक हो जाएगा और यह समय भी गुजर जाएगा। दोस्तों, पुस्तक में अब आगे लेखक हमें सावधान करते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी प्रार्थना के विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। जब आपकी प्रार्थना में आस्था की कमी होगी और यह आपके अवचेतन मन को मजबूर करने की कोशिश करेगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस तरह वो प्रार्थना नाकामयाब हो जाएगी। यहाँ लेखक हमें एक उदाहरण द्वारा इसे समझाने का प्रयास भी करते हैं। वो कहते हैं कि शायद आपके साथ भी यह घटना हुई होगी। आप परीक्षा में बैठे हैं और जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है तो आपका दिमाग अचानक पूरी तरह से खाली हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना पढ़ा है वो सब आपका साथ छोड़ रहे हैं। आपको कुछ भी याद नहीं आता। आप डरते हैं और दिमाग पर जोर डालते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप जोर डालते हैं आपका ज्ञान आपसे उतना ही दूर चला जाता है। दुखी होकर आप कुछ पल के लिए एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं। जब आप थोड़ा ठीक महसूस करते हैं, क्योंकि बाहर आपका मानसिक दबाव थोड़ा कम हो गया है, तो अब जब आप ठीक महसूस करते हैं तो आप पाते हैं कि जिन जवाबों को थोड़ी देर पहले आप सोचने की कोशिश कर रहे थे वो अचानक आपके दिमाग में आने लगते हैं। अब आपको एहसास होता है कि जब आपने अपने दिमाग पर उन्हें याद रखने के लिए जोर दिया तो आप सब भूल गए। इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं, क्योंकि जब आपने खुद को उन्हें याद रखने के लिए मजबूर किया तो आप सब भूल गए। यही बात आपकी प्रार्थना और हर उस भावना पर लागू होती है जिसे आप अपने अवचेतन मन पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं को संघर्ष से बचाने के लिए उनींदी अवस्था में अपने अवचेतन मन तक अपने विचार पहुंचाने चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे शरीर के अधिकतर प्रयास बहुत कम हो जाते हैं। सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद आपका अवचेतन मन सबसे सशक्त होता है। इस समय जब आप कल्पना करते हैं कि आपने किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया है और आप बहुत रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी इस कल्पना और मनोकामना को वास्तविकता यानी चमत्कार में बदल देता है। अब लेखक एक महिला का उदाहरण देते हैं और हमें बताते हैं कि किस प्रकार उसने उनींदी अवस्था में अपने अवचेतन मन तक अपनी कल्पना को पहुंचाकर उसे वास्तविकता में बदल दिया। दोस्तों, 8वें अध्याय का यहीं पर अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि हमें अपने अवचेतन मन पर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और ना ही इसके काम पर किसी भी प्रकार का शक करना चाहिए, क्योंकि जहां हमारी आस्था कमजोर पड़ती है वहीं हमारा अवचेतन मन उस पर काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 9वां अध्याय हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है, जिसका नाम है दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। शायद यही वो अध्याय है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों,
इसमें शायद लेखक हमें ये बताने वाले हैं कि अब हम अपने अवचेतन मन का प्रयोग अमीर बनने के लिए कैसे कर सकते हैं। आज के समय में जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहां हम सबकी इच्छा होती है कि हम भी दौलतमंद बने और अपनी जरूरत और शौक दोनों पूरे कर पाए। दोस्तों, पाठ की शुरुआत में लेखक हमसे कहते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में केवल कुछ घंटे काम करते हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। जो लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हम खून पसीना बहाकर ही और कड़ी मेहनत करके ही अमीर बन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो हमें ऐसे काम करने को प्रेरित करते हैं जिनसे हमें प्रेम है और जो हम करना चाहते हैं और जिनसे हमें खुशी मिलती है। उनका मानना है कि दौलत हमारे मस्तिष्क में रहती है और ये व्यक्ति के अवचेतन पर विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप ये कहकर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि जब उनका बिजनेस कमजोर हो जाता है और स्टॉक मार्केट गिरने लगता है तो वो बेबस नजर आते हैं। इतने असुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि वो अपने अवचेतन मन को नकारात्मक संदेश भेजते हैं और उनका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदल देता है। वो ये जान ही नहीं पाते कि यदि वे उस समय सकारात्मक रहते तो यह जान पाते कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला संपत्ति का बहुत बड़ा भंडार पड़ा है। जिस व्यक्ति ने गरीबी की मानसिकता ही बना ली है, वो व्यक्ति खुद को हमेशा गरीब परिस्थितियों में ही पाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जिनका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा रहता है, वो तमाम सुख सुविधाओं में जीवन बिताता है। ईश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में जिएं, बशर्ते कि हम कभी नकारात्मक ना सोचें और अपने दिमाग से हर गलत विचार को साफ करके सही विचार भर दें। दोस्तों, इस अध्याय को सुनते समय शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे भी दौलत और सफलता चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि प्रतिदिन 3 से 4 बार 4 से 5 मिनट ये शब्द दोहराएं, सफलता और दौलत। इन शब्दों में अद्भुत शक्ति है। ये हमारे अवचेतन मन को प्रेरित करती है और ऐसी परिस्थितियां प्रकट करती हैं जिनसे ये चीजें सच्चाई में बदल जाएं। ऐसे में आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बल्कि आप अपने अंदर की शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। धन की भावना से ही धन उत्पन्न होता है और इस बात को हमेशा याद रखें। हमारा अवचेतन मन एक बैंक की तरह है जिसका पैसा कभी खत्म नहीं हो सकता। इसमें आप जो जमा करते हैं, जिस भी चीज की छाप छोड़ते हैं, चाहे वो दौलत का विचार हो या गरीबी का, आपको वही मिलता है। लेखक के पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आती हैं जिनमें लोग अक्सर उनसे कहते हैं कि मैं हफ्तों और महीनों से कह रहा हूं कि मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे लेखक को यह एहसास हुआ कि जब वो खुद से ये कह रहे थे कि मैं दौलतमंद हूं और अमीर हूं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने मन में ये लगता था कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह लेखक को एक और व्यक्ति ने बताया कि वो इस सकारात्मक घोषणा से थक गया है कि वो अमीर है और अब उसकी स्थितियां पहले से ज्यादा खराब हैं, क्योंकि अपने अवचेतन मन को ऐसा कहते समय वो जानता था कि यह सच नहीं है। इसीलिए इस तरह के वाक्यों को आपका अवचेतन मन नकार देता है और आपको कुछ नहीं मिलता। जब तक हम इन्हें सचमुच स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारा अवचेतन मन इस पर विश्वास नहीं करता और इस पर काम नहीं करता। इसीलिए इस मानसिक संघर्ष से बचने के लिए लेखक हमें एक उपाय बताते हैं। वो एक कथन रात को ठीक सोने से पहले बोलने की सलाह देते हैं। वो कथन है कि दिन रात मैं अपनी रुचि में समृद्ध हो रहा हूँ। इस पॉजिटिव अनाउंसमेंट से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यह आपके कॉन्शियस माइंड से बहस नहीं करेगी। लेखक एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे ही एक कथन का चमत्कार हमें बताते हैं। एक दिन उनके पास एक बहुत ही चिंतित बिजनेसमैन आया
उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए लेखक ने उसे अपने ऑफिस में शांत बैठकर एक कथन दोहराने को कहा। वो कथन था, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है और इसी तरह बढ़ती रहेगी। इस कथन के कारण उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर ये काम करने लगे और फिर उन्हें अच्छे परिणाम मिले। लेखक हमें सुझाव देते हैं कि जिस तरह कोरे चेक पर कभी साइन नहीं करना चाहिए, ठीक उसी तरह हमें इस तरह की बातें भी कभी नहीं सोचनी चाहिए कि काम चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसे की तंगी है, मेरे पास कर्ज की किस्त नहीं चुका पाने के कारण अपना घर तक गिरवी रखने की स्थिति है। याद रखिए, जब आप इस तरह के नकारात्मक कथन अपने मन में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे आग्रह के रूप में स्वीकार करता है और अपने तरीके से इन पर काम करना शुरू कर देता है। नतीजतन आपके जीवन में बाधाएं, मुश्किलें और तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमें हर चीज का ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसमें हमारा अवचेतन मन उसे ब्याज लगाकर अर्थात बहुत सारी दौलत देगा, लेकिन जिसमें कमी की भावना है वो उसमें भी ब्याज लगाएगा और कमी को बढ़ाएगा। खुद के सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स यानी सकारात्मक घोषणाएं करने के बाद आप शायद कह सकते हैं कि मैंने ऐसा किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ और आपको रिजल्ट ना मिले। लेखक कहते हैं कि आपका कारण ये था कि शायद आप 10 मिनट बाद ही डर गए थे और आपने स्वयं उस सकारात्मक विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। ये बात बिल्कुल ऐसी ही हुई जैसे कि आपने दिन में कोई बीज जमीन में बोया और उसी दिन आपने उसे खोदकर वापस निकाल लिया। आप उस बीज की जड़ें निकलने और बढ़ने का मौका ही नहीं देते। लेखक कहते हैं कि जैसे ही आप ये कहने वाले हों कि मैं उस चीज के पैसे नहीं दे पाऊंगा, इससे पहले कि आप इस नकारात्मक वाक्य को पूरा करें, आप इसे बदलकर ये कह दें कि मैं सभी तरीकों से अमीर बनूंगा और सकारात्मक कर दें। हमारे अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती। इसके अंदर अनगिनत विचार हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन में अनगिनत तरीकों से पैसे भरने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप सकारात्मक विचार पर विश्वास रखें। इस दौरान लेखक केवल इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिला दें कि दौलत हमारी है और हमारे जीवन में शामिल हो रही है, तो अंततः आपको ये मिल जाएगी, चाहे किसी भी रूप में मिले। दोस्तों, दुनिया में काफी सारे लोग तंगी का जीवन गुजारते हैं। अब लेखक इस तंगी के असली कारणों पर रोशनी डालते हैं और कहते हैं कि आपने कई लोगों को उनका जीवन तंगी में गुजारते देखा होगा, जो अपने महीने का खर्च चलाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। क्या आपने कभी उनकी बातें सुनी हैं? वे हमेशा उन लोगों की निंदा करते हैं जो अपने जीवन में सफल हुए हैं और कहते हैं कि ओह, वो आदमी तो बदमाश है, बेकार है। उनकी तंगी का यही एक कारण है, क्योंकि वो उसी चीज की निंदा करते हैं जिसे वो चाहते हैं। वे अपने अमीर साथियों की आलोचना करते हैं क्योंकि वो उनकी सक्सेस से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तेज तरीका अमीर लोगों की निंदा करना ही है। इसके अलावा लेखक एक और भावना की बात करते हैं जो दौलत के बीच सबसे बड़ी बाधा बनता है, और वो भावना है ईर्ष्या यानी जलन की भावना। मान लीजिए आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा कराते हुए देखते हैं, लेकिन उसी पंक्ति में आप भी हैं जिसके पास बहुत थोड़े रुपये हैं, तो आप अपने प्रतिस्पर्धी को देखकर जलन की भावना महसूस करेंगे। इस भावना से उबरने का एक तरीका है कि आप उसी समय अपने मन में कहें कि कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की संपत्ति पर खुशी होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो और भी ज्यादा पैसे कमाए। जलन की भावना विनाशकारी होती है, क्योंकि ये आपको नेगेटिव सिचुएशन में रखती है। इसीलिए पैसे पास आने की बजाय आपसे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप किसी और के पैसे या धन संपत्ति से
चिढ़ महसूस करते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आप तत्काल दावा करें कि आप उन्हें इससे भी ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। यह आपके नेगेटिव थॉट्स को हटा देगा और आपके अवचेतन मन को दौलत प्रदान करने का आदेश देगा। यदि आप इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कोई बेईमानी से पैसे कमा रहा है, तो इस तरह की चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आपका शक सही है और आप जानते हैं कि इस तरह के व्यक्ति अपने मस्तिष्क के नियम का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो समय के साथ ये नियम उन्हें परिणाम भी देगा और आप सावधान रहें, उनकी आलोचना ना करें, और इसके कारण आपको पहले ही बताए गए हैं। दोस्तों, अब लेखक हमें अमीर बनने की एक ट्रिक बताते हैं, जिसे हम अपने अवचेतन मन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि रात को सोते समय दौलत शब्द को शांति और सरलता से दोहराएं और बार बार ऐसा करें किसी लोरी की तरह। परिणाम देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दौलत एक पहाड़ की तरह आपकी तरफ आएगी और आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग धनवान बनने के लिए कर सकते हैं। आपको तो केवल धन का विचार सफलतापूर्वक पूरे विश्वास और आस्था के साथ अपने मन तक पहुंचाना होगा। यहां मन से अर्थ आपके अवचेतन मन से है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि पाठ 10, जिसका नाम है आपको अमीर बनने का हक है, में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनना हमारा बुनियादी अधिकार है, क्योंकि आप इस दुनिया में एक अच्छा जीवन जीने, स्वस्थ, खुश और आजाद रहने के लिए आए हैं। इसीलिए आपको इतने पैसों का हक होना चाहिए जितने की आपको जरूरत है और जो आपको एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक होगी। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से दौलतमंद होने का आनंद ले सकते हैं, तो तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हम पैसों से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, और अगर एक बार आपने पैसों से दोस्ती कर ली, तो आपके पास न केवल अपनी जरूरत पूरी करने का पैसा होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। पैसों के बारे में सोचने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सभी लोग इसकी इच्छा रखते हैं। पैसों की सोच रखना ना सिर्फ अच्छा है, बल्कि बहुत ही अच्छा है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें आर्थिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन ही किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का मापक होता है और किसी व्यक्ति के जीवन में सुंदरता, स्वतंत्रता और प्रचुरता का प्रतीक भी होता है। इतिहास गवाह है, प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में धन का प्रयोग होता रहा है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, मनके हो या कोई और चीज। पुराने समय में लोगों की दौलत उनके भेड़ों, गायों और बैलों से की जाती थी, लेकिन अब हम पैसों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका कारण स्पष्ट है। अब हम बिल चुकाने के लिए अपने साथ भेड़ों को लेकर नहीं जा सकते, बल्कि पैसे या चेक के रूप में भुगतान करते हैं। इसीलिए ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अमीर बनने की राह पर कैसे चलें, ताकि हमारी जरूरतें और शौक पूरे करने के पैसे आएं। लेखक बताते हैं कि एक बार जब हम अपने अवचेतन मन की शक्तियां समझ लेते हैं, तो हमारे पास उसकी आध्यात्मिक, मानसिक और अमीर बनने के सभी रास्तों का नक्शा आ जाता है। जिसने भी अपने मस्तिष्क के नियमों को अच्छे से समझ लिया, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, स्टॉक मार्केट का कुछ भी हाल रहे या हड़ताल रहे, उसके पास हर स्थिति में धन रहेगा, क्योंकि एक बार उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है और नतीजतन अवचेतन मन उसे धन देता रहता है, चाहे वो जहां भी रहे। दोस्तों, अब लेखक हमें बताते हैं कि हमारे पास अधिक पैसे नहीं होने के क्या कारण है।
शायद अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा कमाई का हकदार हूँ, और ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन ये उन्हें मिलती नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने मन में या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। या तो वो ज्यादा पैसों को गंदा कहते हैं, या ऐसा समझते हैं कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। उनका यह भाव उनके अवचेतन मन में धन के प्रति गलत संदेश देता है, और उनका अवचेतन मन भी उनके इस संदेश पर काम करने लगता है और उनके जीवन में पैसों की कमी करता रहता है। दोस्तों, अब लेखक हमें सावधान करते हैं और बताते हैं कि हम इस दुनिया में एक संतुलित जीवन जीने आए हैं, इसीलिए केवल धन अर्जित करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक संतुलित जीवन के लिए हमें प्रेम, स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति की भी जरूरत है। यही कारण है कि केवल ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने को ही हमें अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमें धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वहां प्रेम, सद्भाव और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग एक संतुलित जीवन के लिए करना चाहिए, जिसमें आप असीमित धन की मांग तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही आप मानसिक शांति और सद्भाव और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि गरीबी एक मानसिक रोग है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन में धन का प्रवाह नहीं हो रहा है और आपके साथ कोई ना कोई गड़बड़ है। आप इस दुनिया में गरीबी का जीवन जीने नहीं आए हैं, इसीलिए आपको अपने अवचेतन मन का प्रयोग खुद को एक खुश और समृद्ध जीवन देने में करना चाहिए। हमें धन के बारे में सभी अजीबोगरीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए। कभी धन को गंदा नहीं समझना चाहिए। यदि आप इसे बुरा सोचते हैं, तो यह आपके जीवन से पंख लगाकर इस प्रकार उड़ जाएगा जिस प्रकार एक पंछी आसमान में उड़ जाता है। आप जिसकी आलोचना करते हैं, आप उसे कभी नहीं पा सकते। यही अवचेतन मन का नियम है। हमें धन के प्रति अपना नजरिया ठीक रखना चाहिए और लेखक के अनुसार यह वाक्य दोहराना चाहिए कि मैं धन से प्रेम करता हूँ और मुझे यह पसंद है। मैं पूरी समझदारी से इसका अच्छा प्रयोग करता हूँ और मेरे जीवन में धन आ रहा है। मैं खुशी से इसे आजाद करता हूँ और ये कई गुना होकर मेरे पास वापस लौटता है। ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसका प्रयोग भलाई के लिए करता हूँ। मैं मानसिक रूप से इसे स्वीकार करता हूँ और इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। दोस्तों, अब लेखक हमें धन को आकर्षित करने के कुछ और तरीकों के बारे में बताते हैं, जिसमें वे अपने जीवन के एक उदाहरण से हमें प्रेरित करते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिले और उस युवक ने लेखक को बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। इसीलिए वो युवक विज्ञान की कक्षा में गया और उसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अपना गुजारा अपने मोहल्ले के अस्पतालों में डॉक्टरों के ऑफिस की सफाई करके किया करता था। लेखक ने उसे बताया कि जिस प्रकार एक बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को आकर्षित करता है जो उसे उगने के लिए जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अवचेतन मन में जिस चीज की जीवन में आवश्यकता हो का बीज बोना चाहिए। उस युवक ने लेखक की बातों को अपने जीवन में प्रयोग करने का सोचा और उसने अपने मन में एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर बनाई, जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। उसे यह काल्पनिक तस्वीर बनाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आई, क्योंकि वो जिन डॉक्टरों के ऑफिस में सफाई किया करता था उनकी दीवारों पर वैसे सर्टिफिकेट टंगे होते थे और वो युवक उन पर जमी धूल को साफ करके उन्हें चमकाता था, इसीलिए उसकी तस्वीर युवक को अच्छे से याद हो गई। लगभग 4 महीने तक हर रात वो युवक सर्टिफिकेट वाली तस्वीर की तकनीक आजमाता रहा।
एक दिन जिस डॉक्टर के ऑफिस में वो सफाई करता था, उसने उस युवक से पूछा कि क्या वो उसका असिस्टेंट बनेगा। डॉक्टर ने उसे ट्रेनिंग में भेजने का पूरा खर्च उठाया, जहां उसने सभी मेडिकल योग्यताएं सीखी और इसके बाद वो युवक डॉक्टर का असिस्टेंट बन गया। इस युवक की प्रतिभा से डॉक्टर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाद में उसे मेडिकल कॉलेज भेजा और अभी वही युवक कनाडा में एक सीनियर डॉक्टर है। दोस्तों, इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि उस युवक ने काल्पनिक तस्वीर की तकनीक द्वारा किस प्रकार अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग अपने सपने को पूरा करने में किया। यह आकर्षण का नियम था, यानी उसने अपने सपने को अट्रैक्ट किया। उसे अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरा विश्वास था, जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी था। दोस्तों, आप भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको आपके अवचेतन मन पर पूरा विश्वास हो। आगे लेखक एक स्थिति की बात करते हैं, जब लोग मेहनती तो होते हैं, काम तो करते हैं, पर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। लेखक इसका भी कारण देते हैं। वो कहते हैं कि अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अपने अवचेतन मन में उस कंपनी के बंधन तोड़ रहे हैं। जब आप अपनी कंपनी और बॉस की भर भर के आलोचना करते हैं, तो बाहरी दुनिया में इसका प्रभाव होता है। एक दिन आपको आपका बॉस ये कहने को मजबूर होगा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, जबकि सच तो यह है कि आपने अपनी नकारात्मक सोच से ही स्वयं को निकलवाया है और यह परिस्थिति आपके अवचेतन मन पर छोड़े गए छाप का नतीजा है। दोस्तों, अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जब भी आप अपने शेयरों और बोनस के बारे में चिंतित महसूस करें, तो धीरे से अपने मन में यह दावा करें कि मेरी बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को कंट्रोल करती है और उसकी निगरानी करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी करूंगा वो मेरे लिए समृद्ध होगा। अगर आप इन बातों का दोहराव बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन समझदारी भरे निवेश की ओर करेगा। इतना ही नहीं, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन अब आपके साथ होगा, जो आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने से पहले सचेत कर देगा। पुस्तक में आगे लेखक कहते हैं कि बिना दिए हमें कुछ नहीं मिल सकता। आइए देखते हैं कि इसमें लेखक हमें क्या समझाते हैं। बड़े स्टोर्स पर आपने सिक्योरिटी देखी होगी, जो वहाँ सामान चुराने वाले चोरों को रोक सके। हर दिन ये सिक्योरिटी कुछ लोगों को पकड़ती है, जो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इस तरह चोरी करने वाले लोग कमी और सीमा के माहौल में रहते हैं। ये दूसरों की चीजें चुराने के चक्कर में अपनी शांति, ईमानदारी और विश्वास को भी चुरा लेते हैं। इसका हमारे अवचेतन मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उस तक गलत संदेश पहुंचता है। नतीजतन ऐसे लोगों के जीवन में मानसिक अशांति और नुकसान आता है। अगर ऐसे लोग मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें, तो उनके जीवन में भी सफलता और समृद्धि 100% आएगी और वो खुद को और समाज को लाभ पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, ये अध्याय समाप्त करने से पहले लेखक हमें एक वाक्य बताते हैं, जिसका दोहराव यदि हम सोने से पहले करते हैं तथा इस वाक्य पर पूरा विश्वास रखकर इसे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं, तो इसका चमत्कार आपको अवश्य दिखाई देगा। ये वाक्य है कि मैं अमीर, खुश और सफल हूं और ये मेरा अधिकार है। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि पर पूरी आस्था रखता हूं। धन मेरी ओर पूरी स्वतंत्रता से, प्रचुरता से और अनंत रूप में प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने अवचेतन मन के साथ हूं। मैं अपनी प्रतिभा को स्वतंत्रता से देखता हूं और मुझे मेरे अवचेतन मन द्वारा वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है और मैं कृतज्ञ हूं। इसी वाक्य के साथ 10वें अध्याय की समाप्ति होती है।
जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार हम धन को आकर्षित कर सकते हैं। अवचेतन मन के असीमित धन के भंडार से दौलतमंद बन सकते हैं। जरूरत है तो केवल उसमें आस्था रखते हुए अपना संदेश उस तक पहुंचाने की। आइए दोस्तों, देखते हैं पाठ 11, जिसका नाम है आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है के माध्यम से लेखक हमारे अवचेतन मन के किस राज को खोलते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो हम एक शब्द में इसे सक्सेस या सफलता कहते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी हमें सफलता के तीन पायदानों के बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं कि वो तीन पायदान कौन से हैं जिन पर चलकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला पायदान है कि हम अपने जीवन में उस काम का पता लगाएं जिसे हम करना चाहते हैं और जिससे हमें प्यार है, क्योंकि जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करते, तब तक आप उसमें खुद को सफल नहीं मानते, भले ही पूरी दुनिया आपको सफल कहती हो। दोस्तों, इस समय आप कह सकते हैं कि मैं तो अपने उस काम का पता लगाने में असमर्थ हूँ जिससे मुझे प्रेम है, और यह स्वाभाविक भी है। ऐसी स्थिति में लेखक हमें एक प्रार्थना बताते हैं, जिसका दोहराव कर हम यह जान सकते हैं कि हमें कौन सा काम पसंद है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये प्रार्थना है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमता पर पूरा विश्वास करता हूँ और ये आस्था रखता हूँ कि ये मेरे जीवन में मेरी सच्ची जगह प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को सकारात्मक तरीके से यदि अवचेतन मन के सामने दोहराया जाए, तो निस्संदेह है कि एक दिन आप जरूर सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। सफलता का दूसरा पायदान लेखक हमें बताते हैं कि इसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता या स्पेशलिटी हासिल करना है और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी साइंस विषय को चुनकर केमिस्ट्री के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपना पूरा ध्यान उसी क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए ताकि वो उसकी पहचान बन जाए। इसके लिए उसे इस विषय में दिलचस्पी लेनी चाहिए और उसके मन में दुनिया की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। सफलता का तीसरा पायदान अंतिम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो केवल आपको ही लाभान्वित ना करे, बल्कि इससे दूसरों का भी भला हो। इसका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना और उन्हें लाभ पहुंचाना होना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सफलता के इन तीनों पायदानों पर चलता है, तो वो अवश्य सफलता के शिखर पर पहुंचता है। पुस्तक में आगे लेखक सच्ची सफलता को मापने के पैमाने पर बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल नजर आता है, लेकिन उसका कमाया हुआ धन चोरी और धोखे से हासिल किया गया है, तो वह धन पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं, तो हम खुद को धोखा देते हैं और लूटते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं वही होता है, हम जिस चीज में विश्वास करते हैं वही होता है। सफल व्यक्ति केवल अपने काम से प्यार करता है और खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करता है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति केवल दौलत इकट्ठा करना ही अपना उद्देश्य नहीं बनाता, बल्कि वो तो इससे ऊंचे आदर्शों पर काम करता है। सफलता के तीन पायदानों पर चलते समय आपको अपने अवचेतन मन की शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही शक्ति आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। यदि आपने अपने अवचेतन मन के नियम सीख लिए और खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करने लगे, जिससे आपकी प्रतिभा से दूसरों को भी लाभ पहुंच रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आप सच्ची सफलता के ऐसे मार्ग पर हैं जहां ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है? आकाश और पाताल में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से पीछे खींच सके। दोस्तों, अब लेखक हमें बहुत सारे सच्चे उदाहरणों के माध्यम से ये बताते हैं कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपने अवचेतन मन का प्रयोग किया, चाहे वो बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, या फिर
उनका अपना व्यवसाय हो और सफलता पाई। लेखक ऐसे ही एक उदाहरण का जिक्र करते हैं जिसमें 16 साल का एक लड़का किस प्रकार अपनी असफलता को सफलता में बदलता है। इस बच्चे का नाम टॉड एम था। इस बच्चे ने लेखक को बताया कि मैं हर चीज में फेल हो रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा और इससे पहले कि मेरे स्कूल वाले मुझे स्कूल से निकालें, मैं खुद ही निकल जाऊंगा। लेखक को पता चला कि लड़के का नजरिया बहुत गड़बड़ था। वो अपनी पढ़ाई में भी ठीक नहीं था और अपने टीचर और दोस्तों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखता था। लेखक ने उसे बताया कि वो किस प्रकार अपने स्कूल में सफल होने के लिए अपने अवचेतन मन का प्रयोग कर सकता है। लेखक ने उसे एक प्रार्थना बताई जिसे वो सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद दोहराने लगा, क्योंकि अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने यह सकारात्मक प्रार्थना की कि मुझे मालूम है कि मेरा अवचेतन मन मेरी यादों का भंडार है। मैं हर उस चीज को इकट्ठा करता हूँ जो मैंने पढ़ी है और टीचर्स की क्लास में सुना है। मेरी याददाश्त भी बहुत तेज है, बशर्ते मैं इसका इस्तेमाल करूं। मेरा अवचेतन मन मुझे हर वो चीज लगातार बताता है जो मुझे परीक्षा में पढ़ने की जरूरत है और मैं अपने सभी टीचर और दोस्तों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने जीवन में सफल हों और उन्हें अच्छी चीजें मिले। नतीजतन उसके जीवन में चमत्कार हुआ और वो अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता रहा है। वो अभी कल्पना करता है कि उसकी टीचर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब लेखक हमें बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन का प्रयोग किस प्रकार खरीदने और बेचने संबंधी कामों में कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं और आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप इस प्रार्थना का इस्तेमाल कर अपने अवचेतन मन की शक्ति से ऐसा घर पा सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मन परम बुद्धिमान है। इसकी शक्ति मुझे एक ऐसा घर बताएगी जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और मैं उसे खरीद पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे आग्रह को स्वीकार करेगा और मैं उस पर पूरी आस्था और विश्वास रखता हूं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि आपको इस प्रार्थना का जवाब किसी भी रूप में मिल सकता है, चाहे वो अखबार का विज्ञापन हो या फिर आपके दोस्त बताएं। इसी तरह एक और प्रार्थना वो चीजें बेचने के लिए भी बताते हैं जिसे बहुत से लोगों ने अपनाया और सफल भी हुए। दोस्तों, अगर आप यह प्रार्थना जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए, हम इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे। दोस्तों, 11वें अध्याय का यहीं पर अंत होता है जिसमें हमने सीखा कि सफलता का अर्थ केवल पैसे कमाने से नहीं है बल्कि जीवन में शांति, सुख और खुशी से भी है। इसके बाद लेखक हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन के प्रयोग बताते हैं, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता यानी स्पेशलिटी प्राप्त करने में भी ये हमारी सहायता करता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अध्याय 12 की तरफ जिसका नाम है वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक हमें ऐसे महान वैज्ञानिकों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन का प्रयोग कर पूरी दुनिया में नाम कमाया। इनमें आइंस्टीन, मार्कोनी और एडिसन जैसे वैज्ञानिक हैं। निकोला टेस्ला को भी अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरा विश्वास था और उन्होंने इसका इस्तेमाल नए आविष्कार और शोध के लिए किया। इसके लिए वो पहले उस चीज की एक काल्पनिक तस्वीर अपने अवचेतन मन के हवाले कर देते थे जिसे वे सच होता देखना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी मशीन हमेशा मेरी कल्पना के अनुसार ही काम करती है
और 20 सालों में इसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जोसेफ मर्फी एक ऐसे वैज्ञानिक का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी समस्या सुलझाई। इसके बाद एक और उदाहरण देकर बताते हैं कि एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या का समाधान अपने अवचेतन मन की शक्ति से किया। दोस्तों, उस समय डायबिटीज का कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग डायबिटीज की दवा का आविष्कार करना चाहते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया पर हर बार वे असफल हुए। काफी दिनों तक प्रयास करने के बाद एक दिन उनके अवचेतन मन ने उन्हें यह निर्देश दिया कि वे किस प्रकार डायबिटीज की दवा बना सकते हैं। वे अपने अवचेतन मन के इशारे को समझ गए और इसी से उन्होंने इंसुलिन की खोज कर पाने की प्रेरणा हासिल की, जो आज अनगिनत लोगों के लिए अमृत के समान काम कर रही है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ध्यान दीजिए, डॉक्टर बेंटिंग काफी समय से इस दवा के बारे में अपने चेतन मन से खोजने की कोशिश कर रहे थे और परिणाम स्वरूप उनके अवचेतन मन ने इस पर काम किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हो सकता है कि हमें कुछ समय तक जवाब ना मिले, लेकिन इससे हमें दुखी नहीं होना है। हमें तो बस अपने अवचेतन मन पर पूरी आस्था रखते हुए रात को सोने से ठीक पहले अपनी समस्या उसके हवाले कर देनी है। कभी भी अपने अवचेतन मन के काम पर संदेह ना करें। अब जोसेफ मर्फी हमें एक बहुत ही साहस भरा उदाहरण देते हैं जिसमें एक वैज्ञानिक ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से भागने में किया था। इस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर लोथार वॉन था। यह वैज्ञानिक अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि मैं रूस के एक कोयला खदान में बंदी था और मैंने जेल में अपनी चारों तरफ बुरी तरह लोगों को मरते हुए देखा था। पहरेदार बहुत क्रूर थे और सभी अफसर चालाकी से हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी का कोयले का एक कोटा निश्चित कर दिया जाता था। वो बताते हैं कि इनका कोटा 300 पाउंड का था। जो कैदी अपना कोटा पूरा नहीं कर पाता था उसकी राशन में कटौती कर दी जाती थी और धीरे धीरे वो मर जाता था। इस वैज्ञानिक ने यहाँ से भागने की सोची और ये जानते थे कि इनका अवचेतन मन कोई न कोई रास्ता जरूर खोज लेगा। सेनाओं ने उनके पूरे परिवार को मिटा दिया था और इनके दोस्तों को भी मार दिया था। इसी समय वैज्ञानिक ने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं लॉस एंजलिस जाना चाहता हूँ और तुम्हें इसका रास्ता खोजना है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मुझे लॉस एंजलिस की तस्वीरें याद थी क्योंकि मैं अक्सर उन्हें देखा करता था, इसीलिए मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। इसके साथ ही मैं यह भी कल्पना करने लगा कि मैं उन्हीं रास्तों पर अपनी पत्नी से मिल रहा हूँ। ये सारी कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट और वास्तविक बनाकर मैंने अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दी। कैंप में हर दिन एक पहरेदार कैदियों की गिनती करता था। एक दिन एक पहरेदार जब कैदियों की गिनती करने आया तो उसने शुरू किया 1, 2, 3 और वैज्ञानिक का 17वां नंबर आया। लेकिन इसी दौरान पहरेदार को किसी ने बुला लिया और मौका देखकर वैज्ञानिक भाग गया। पहरेदार जब वापस आया तो उसने अगले आदमी से 17वां नंबर गिनना शुरू किया और इस तरह पहरेदार को पता नहीं चल पाया कि एक कैदी गायब है और ना ही वहां के कैदियों को। वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे भागता रहा और अंततः एक सुनसान गांव में पहुंचा जहां उसने कुछ मछलियां पकड़कर खाई। इसके बाद वो एक ट्रेन में बैठ गया जो पोलैंड जा रही थी। यहां से कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए जिनसे उनके अवचेतन मन में सोची गई सारी कल्पनाएं सच हो गई और वे लॉस एंजलिस में अपनी पत्नी से मिल पाए, ठीक जैसा उन्होंने सोचा था। ये वैज्ञानिक बताते हैं कि मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कार पर हैरान होना बंद नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट भी अपने अवचेतन मन का प्रयोग खुदाई के दौरान प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में करते हैं जिससे वहां का मृत अतीत
फिर से जीवंत बन जाता है। खुदाई के दौरान मिले अवशेषों और प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखकर वो उस समय की सभ्यताओं के रहन सहन की कल्पना करते हैं और अपने मस्तिष्क में इसका डेटा तैयार कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। दोस्तों, यहीं पर 12वें अध्याय का अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार वैज्ञानिक भी इसका प्रयोग कर चुके हैं और इसके रहस्य को हमारे सामने लाने का प्रयास करते रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, जिसका नाम है अध्याय 13, आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। में लेखक इसके किन नए रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं? दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हम अपने दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में बिताते हैं और ये जीवन का अनिवार्य नियम है। कई लोग कहते हैं कि वो दिन भर काम करके थक जाते हैं और रात को अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं, इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि नींद में भी हमारा शरीर आराम नहीं करता। हमारा दिल, फेफड़े और पाचन क्रिया लगातार काम करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे नाखून और बाल भी बढ़ते रहते हैं। इन्हीं क्रियाओं की तरह हमारा अवचेतन मन भी कभी नहीं सोता या आराम नहीं करता। ये हमेशा एक्टिव रहता है और अपनी सभी शक्तियों को कंट्रोल करता है। नींद में ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आराम से अपना काम कर पाता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सोया रहता है और व्यवधान नहीं डाल पाता। इसीलिए अक्सर हमें कुछ सवालों के जवाब नींद में ही मिलते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि दिन भर हमारा मन बहुत सारी चिंता, विवाद और संघर्ष में उलझ जाता है, लेकिन जब हम नींद में होते हैं तो हम इस प्रकार के सभी शोर शराबे और संघर्ष से दूर हट जाते हैं। इस समय हमारी इंद्रियां भी सो जाती हैं और हमारा अवचेतन मन शक्तिशाली अवस्था में आ जाता है। नींद हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। किसी भी प्रकार की कटौती नींद में नहीं की जा सकती, नहीं तो व्यक्ति को भविष्य में बहुत बड़ी शारीरिक और मानसिक हानि हो सकती है। इसीलिए लेखक नींद के महत्व को प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि जीवन में तरोताजगी और स्फूर्ति लाने के लिए यह अति अनिवार्य है। आखिर हमें नींद की इतनी जरूरत क्यों है? 1964 में 17 साल के एक लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लगातार 264 घंटे यानी 11 दिनों तक जागने के लिए अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि इससे उसे नुकसान भी हुआ, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता में कमी आ गई, उसके शब्दों का उच्चारण खराब हो गया और उसकी याददाश्त में भी कमी आ गई। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग कर यह बताया कि हमारा थका हुआ दिमाग नींद के लिए इतना उत्सुक रहता है कि वो इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान दे सकता है। यदि आप सोने जाने से पहले प्रार्थना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर काम करता है और वह प्रार्थना आपकी रक्षा करती है। अब जोसेफ मर्फी अपने जीवन की एक घटना बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने अवचेतन मन के निर्देशों को सपने में देखा। दरअसल कई साल पहले लेखक को एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जो बहुत ही अच्छा था, लेकिन लेखक ने इस मामले में अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रार्थना की। इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रार्थना की कि मेरे भीतर मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमता सब कुछ जानती है और मेरा मार्गदर्शन करती है। जब मुझे जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान कर आगे कदम रखूंगा। उन्होंने यह प्रार्थना सोने जाने से ठीक पहले की और रात को सपने में उन्होंने देखा कि उनका एक पुराना दोस्त उनके पास आया, जिसके हाथ में एक अखबार था। उसने लेखक से कहा कि इन हेडलाइंस को देखो और वहां मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस में हिंसा की खबरें थी, जो उसी जगह की थी जहां लेखक को नौकरी मिली थी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन सब कुछ जानता है।
इस सपने ने मुझे एक खतरे की स्थिति से बचा लिया और मैं समझ गया था कि यह मेरे अवचेतन मन का इशारा था। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि इसे हमारा भविष्य भी पता है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारी सोच का परिणाम है। यदि हम प्रार्थना करने का फैसला करते हैं तो हम भविष्य में आने वाले खतरों से बच सकते हैं। यह प्रार्थना यदि वैज्ञानिक हो तो आप अपने भविष्य के निर्माता खुद बन सकते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही उसे काटना भी पड़ता है। दोस्तों, अब लेखक ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिनमें लोगों ने अपने नींद में अवचेतन मन की बात सुनी और उनसे चमत्कार हुआ। खैर, अब हम आपको इस अध्याय के एक बहुत ही अच्छे सुझाव से परिचित कराना चाहते हैं, जिसमें लेखक कहते हैं कि यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, यानी आपको नींद ना आने की शिकायत है, तो आप उनके द्वारा बताई गई प्रार्थना को सोने से ठीक पहले करके एक अच्छी नींद पा सकते हैं। इस प्रार्थना को धीरे धीरे शांति और प्यार से दोहराना चाहिए। मेरे पैरों के अंगूठे और टखने स्थिर हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां भी स्थिर हैं, मेरे हाथ, फेफड़े, हृदय, गर्दन, मस्तिष्क, चेहरा, आंखें और मेरा पूरा मन शिथिल है, मेरा शरीर भी शिथिल है। मैं सभी को पूरी तरह से माफ करता हूँ और सभी के लिए सद्भाव, शांति और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं संतुलित हूँ, शांत हूँ और मैं सुरक्षा, शांति और आराम से हूँ। मेरे पूरे अस्तित्व को एक गहरी शांति शांत करती है। मैं जानता हूँ कि मैं जीवन और प्रेम से अपने एहसास का उपचार करता हूँ। मैं स्वयं को प्रेम और शांति की चादर में लपेटकर सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूँ। मैं जब सुबह उठूंगा तो मेरा जीवन प्रेम और खुशियों से भरा रहेगा। मेरी चारों तरफ प्रेम बरसेगा। मुझे किसी की बुराई का डर नहीं होगा और मैं खुशी से जीऊंगा, चलूंगा और जागूंगा। दोस्तों, लेखक की यह प्रार्थना यहीं पर समाप्त होती है। हमारी आपसे विनती है कि यदि आप इस प्रार्थना को याद ना रख पाएं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह प्रार्थना हमने हमारे YouTube चैनल पर स्लीप अफर्मेशंस के अंतर्गत बनाई है, जो आपको रात को सोने में मदद करेंगी और एक चमत्कारी सुबह आपका इंतजार करेगी। दोस्तों, यहीं पर इस अध्याय का अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार नींद में हमारा अवचेतन मन शांति से अपना काम करता है और इसी समय यह सबसे शक्तिशाली अवस्था में होता है। यह सोते समय हमारा मार्गदर्शन करता है। यही कारण है कि नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें एक संतुलित नींद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, यानी अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं, और जानते हैं कि इसमें हमारा अवचेतन मन कैसे सहायक है। लेखक कहते हैं कि सभी तरह की वैवाहिक समस्याएं हमारे मन की शक्तियों को सही तरह से ना समझ पाने के कारण ही पैदा होती हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही मन के नियम का सही प्रयोग करें तो उनके बीच लड़ाई झगड़ा गायब हो जाएगा। जिस प्रकार बाकी समस्याओं का जन्म हमारे चेतन और अवचेतन मन के संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है, वैवाहिक समस्याएं भी इसी का नतीजा हैं। यह हमारे मस्तिष्क के नासमझी का परिणाम होता है। आगे लेखक विवाह के अर्थ पर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि विवाह की सच्ची वास्तविकता का आधार आध्यात्मिक नींव से होना चाहिए, हमारे दिल के प्रेम से होना चाहिए। एक विवाह में प्रेम
ईमानदारी और सच्चाई तीनों का होना आवश्यक है। विवाह के पीछे यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य केवल समाज में प्रतिष्ठा पाना है या महिला की दौलत में हिस्सा पाना है तो यह विवाह सच्चा नहीं होगा। ऐसे ही यदि कोई महिला अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से शादी करती है तो यह भी गलत है, क्योंकि उसका आधार गलत है। यह काम मस्तिष्क के नियमों के खिलाफ होते हैं। नतीजतन ऐसे विवाह तनावपूर्ण और संघर्षों से भरे होते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि कोई महिला या पुरुष इस अध्याय में बताए गए तकनीकों को अपनाएं, तो न केवल उन्हें सेहत या संपत्ति की कमी होगी, बल्कि उनके वैवाहिक जीवन में शांति, प्रेम और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एक संतुलित वैवाहिक जीवन के लिए अब लेखक एक महिला को आदर्श पति को आकर्षित करने के उपायों पर प्रकाश डालते हैं और एक पुरुष को आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के। लेखक कहते हैं कि हमें एक ऐसे आदर्श जीवन साथी की कल्पना करनी चाहिए जिन्हें हम अपने जीवन में चाहते हैं, और अपने अवचेतन मन पर उनके गुणों की छाप छोड़नी चाहिए। ऐसा हम इस प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रार्थना को करने से पहले एक स्त्री को सोने से पहले कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देने के बाद शांत होकर अपने अवचेतन मन से बात करनी चाहिए और इस वाक्य को दोहराना चाहिए, मैं एक ऐसे आदर्श पुरुष को आकर्षित करती हूँ जो सच्चा है, ईमानदार है, शांत है, खुश है और समृद्ध है। मैं जिन गुणों की प्रशंसा करती हूँ वो मेरे अवचेतन मन में पहुंच रहे हैं। यह मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए और मेरा अवचेतन मन इसे साकार कर दे, ऐसी मेरी कामना है। ठीक इसी प्रकार पुरुष के लिए निम्नलिखित प्रार्थना हो सकती है। मैं एक ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरा संतुलन होगा। हमारा मेल आध्यात्मिक है क्योंकि इसमें प्रेम होगा। यह प्रेम हमारी जोड़ी को एक आदर्श बनाएगा। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को शांति, प्रेम और खुशी दे सकता हूँ। मैं अपने मन को यह आदेश देता हूँ कि वह स्त्री आध्यात्मिक, ईमानदार और निष्ठावान है। हमारा सामंजस्य अच्छा है, वह खुश मिजाज है। मैं अपने ऐसे जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ। पुस्तक में अब आगे लेखक तलाक पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या तलाक लेना सही है? यह सवाल एक महिला ने लेखक से तब किया जब उसका पति उसे शराब पीकर मारता और पीटता था। नशे में वो उसके पैसे भी चुरा लेता था। वो चुपचाप सहती रही क्योंकि वो तलाक को अनैतिक मानती थी। किंतु जब उसने लेखक से सलाह ली तो लेखक ने कहा कि यदि दो दिल प्रेम, ईमानदारी और सामंजस्य में होते हैं तो यह सच्चा विवाह होता है। बंधन तो दिलों से होता है। लेखक की बात सुनने के बाद महिला समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। उसने ठान लिया कि अब वह मजबूरन डांट और मार नहीं सहेगी, केवल इसीलिए क्योंकि एक बार किसी ने यह कह दिया कि आज से तुम पति पत्नी हो। लेखक कहते हैं कि यदि आप असमंजस में हैं कि क्या करना है तो स्वयं के अवचेतन मन से मार्गदर्शन मांगे। हर सवाल का जवाब होता है और यह आपको मिलेगा। आपकी आत्मा खामोशी में आपको जो जवाब देगी उस पर अमल करें। आगे लेखक कहते हैं कि तलाक की मानसिकता तलाक से पहले शुरू होती है, कानूनी कार्यवाही तो बाद में शुरू होती है। यह नजरिया विवाह के अस्तित्व को कमजोर करता है, जिसमें नफरत एक दूसरे को अलग करती है और प्रेम दोनों को मिलाता है। तलाक की स्थिति मानसिक नियम के खिलाफ जाने के कारण होती है। एक बार एक दंपति तलाक लेने वाले थे, लेकिन लेखक ने उन्हें एक साथ रहने की सलाह दी और प्रार्थना चिकित्सा के बारे में बताया। वे दोनों
एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम जताने लगे, एक साथ प्रार्थना करने लगे और शाम को बारी बारी से भजन भी करने लगे। उनकी सच्ची कोशिश ने उनके अवचेतन मन में सकारात्मकता जगाई और उनका वैवाहिक जीवन सुंदर हो गया। दंपति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बीच चिड़चिड़ापन ना हो। कई बार पत्नी के चिड़चिड़ा स्वभाव का कारण उस पर ध्यान ना दिया जाना होता है, इसीलिए उसके जीवन साथी को चाहिए कि वह उस पर ध्यान दे और उसकी सराहना करे, ताकि यह चिड़चिड़ापन किसी बड़ी समस्या का कारण ना बने। यदि पति पत्नी छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ सोचने लगते हैं, तो यह विकृत मानसिकता का रूप धारण कर लेती है और वैज्ञानिक रूप से इसे व्यभिचार कहा जाता है। इसका अर्थ है नकारात्मक चीजों पर ध्यान देना। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपने मतभेदों को कुशलता से मोड़ देना चाहिए और अपने अवचेतन मन में शांति, प्रेम और सामंजस्य बनाना चाहिए, ताकि उनके जीवन में सद्भावना और मधुर संबंधों की उत्पत्ति हो। कभी भी अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों से वैवाहिक समस्या के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी गलती है। हमें अपनी निजी बातों का प्रदर्शन बाहर नहीं करना चाहिए। अपनी लड़ाइयों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें बाहर बताने से समस्याएं और भी विकट रूप धारण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त लेखक यह भी कहते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे को हूबहू वैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसा वो चाहते थे, क्योंकि इनसे उनका अपमान होता है और ये कोशिशें मूर्खतापूर्ण होती हैं, जो वैवाहिक जीवन को तबाह कर देती हैं। इन्हीं सुझावों के साथ इस अध्याय का अंत होता है, जिसमें हम सीखते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन में शांति, सद्भाव और मधुरता लाने के लिए किस प्रकार हम अपने अवचेतन मन पर सकारात्मक विचारों की छाप छोड़ चमत्कार पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नए अध्याय की तरफ, यानी अध्याय 15, आपका अवचेतन मन और खुशी। अध्याय की शुरुआत एक तथ्य से होती है, जिसमें लेखक हमें बताते हैं कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र में नहीं थी, बल्कि यह आस्था से प्रेरित अवचेतन मन के शक्ति की थी। हर व्यक्ति में शक्ति का एक ऐसा भंडार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता और दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। इस शक्ति का एहसास आपको तब होगा जब आपके जीवन में सच्ची खुशी और वो आत्मविश्वास आएगा जिससे आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आपका अवचेतन मन दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या सुलझा सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकता है और आपके सपनों को सच कर सकता है, तब आपको एहसास होगा कि आपके पास कितनी चमत्कारी शक्तियां हैं। लेखक कहते हैं कि द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स कहती है कि जो ईश्वर में भरोसा करता है वो सुखी रहता है। यहाँ ईश्वर का संदर्भ अपने अवचेतन मन से समझिए। जब आप सबके प्रति सद्भाव, प्रेम और शांति रखते हैं, तो आप अपने जीवन में इन्हें परिणाम स्वरूप पाते हैं। आपके पास खुश रहने की पूरी स्वतंत्रता है, इसीलिए इसे चुनिए। आपका अवचेतन मन इसे अपने आप साकार कर देगा। आपको तो केवल इसे सोचना भर है और पूरी आस्था से, पूरे विश्वास से। सुबह उठते ही, अपनी आंखें खोलते ही एक सकारात्मक प्रार्थना करें। दोस्तों, इस प्रार्थना की भी एक वीडियो हमने हमारे चैनल पर बनाई है, जिसे सुनकर आपका दिन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा और आपके जीवन में खुशियां, शांति और प्रेम दस्तक देंगे। कई सालों पहले एक बार लेखक आयरलैंड गए थे और वहां वो एक किसान के घर में ठहरे थे। वो किसान बहुत खुशनुमा रहता था। वो इतना खुश रहता था कि एक दिन लेखक ने उसकी खुशी का राज पूछा। किसान ने उसे बताया कि ये तो उसकी आदत है, वो रात को सोते समय अपने परिवार, फसल और जानवरों को दुआएं देता है और अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। सुबह जागते ही वो फिर इसी प्रार्थना को दोहराता है।
लेखक समझ गए कि यह विचार उनके अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और उनकी आदत बन उन्हें खुशी, प्रेम और आनंद के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि आप में खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। दुखी, तनावग्रस्त और निराश रहने से जीवन में नकारात्मकता और अनेकों बीमारियां आती हैं। लेखक कहते हैं कि हमें इस तरह के विचार कभी नहीं रखने चाहिए कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, सभी लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरा काम बुरा है और अब तो इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है, सब कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, आज का दिन बहुत बेकार है, हर चीज बेकार हो रही है। यदि आप सुबह शाम इस तरह की मानसिकता से पीड़ित रहते हैं तो आप अपनी ओर केवल ऐसी घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपको और दुखी करेंगे और ऐसे विचारों को आपकी सच्चाई बना देंगे। 19वीं सदी के महान दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था कि इंसान वही होता है जैसा वो सोचता है, और यह सोच आदतन आपके मस्तिष्क में रहते हैं और आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। दोस्तों, कभी भी अपनी खुशियों को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं सुखी होता, या ऐसी कार होती, ऐसे कपड़े होते, ऐसा टेलीविजन होता या ऐसा घर होता तो मैं अधिक सुखी रहता। दौलत कभी आपको सुखी नहीं बना सकती। सच्चा सुख तो मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था की एक ऐसी स्थिति से है जिसमें आप सेहतमंद, शांत और सद्भाव महसूस करें। पुस्तक में आगे लेखक सच्चे सुख के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो लगातार अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर लाता है और उसका अभ्यास करता है। ईश्वर हमारे भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है, इसीलिए ईश्वर के प्रति प्रेम, आस्था और विश्वास रखना चाहिए। सुख और सद्गुण एक दूसरे को पूरा करते हैं, इसीलिए जिनमें सद्गुण है वो सुखी रहते हैं। किसी भी बाहरी चीज से खुद को प्रभावित मत होने दीजिए, बल्कि सब कुछ अपने भीतर के ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, इस पाठ का यहीं पर अंत होता है जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार हम सुख का चुनाव कर अपना जीवन शांति और सद्भाव में बिताते हैं। खुशी एक अच्छी आदत है और हमें इसका चुनाव करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। प्रतिदिन ईश्वर के प्रति धन्यवाद अर्थात कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ जिसका नाम है अध्याय 16, आपका अवचेतन मन तथा सद्भावपूर्ण मानवीय संबंध। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जिसमें हम जैसी छाप छोड़ते हैं वो वैसी ही ध्वनि उत्पन्न करता है। लेखक कहते हैं कि हम स्वयं के लिए दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों के साथ हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचें, वैसा ही हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में महसूस करें, हमें भी वैसा ही उनके बारे में महसूस करना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए काम करें, हमें भी उनके लिए वैसा ही काम करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में काम करते हों और किसी के प्रति उनके सामने विनम्र व्यवहार करते हों, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई करते हों और उनके प्रति नकारात्मक सोच रखते हों। यह विचार आपके लिए जहर खाने के समान है, यह विचार विनाशकारी है, यह हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं और हमारी फूर्ति, शक्ति और सद्भावना को खत्म कर देते हैं। आगे चलकर ऐसी भावनाएं हमारे अंदर बहुत तरह के रोग उत्पन्न करती हैं और तमाम तरह की मुश्किलों से हमारा जीवन दूभर कर देती हैं। लेखक कहते हैं कि हमें किसी का भी मूल्यांकन गलत आधार पर नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन करने का मतलब है कि आप किसी के प्रति कैसी सोच रखते हैं, किस प्रकार उन्हें जज करते हैं और किसी आधार पर उनके लिए मानसिक फैसले पर पहुंचते हैं, यानी आप उन्हें जज करते हैं।
यदि एक बार आप अपने अवचेतन मन के नियम को जान लेते हैं और यह समझ जाते हैं कि यह किस तरह काम करता है, तो आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने और काम करने में सतर्क रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही काम, विचार और भाव की स्थिति बनाएंगे। मर्फी यह भी कहते हैं कि जिस आधार पर आप दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, उसी आधार पर आपका भी मूल्यांकन होता है। आप दूसरों के साथ जितनी भलाई करते हैं, वो उसी आधार पर आपकी ओर वापस लौटेगी, और आप जितनी बुराई करते हैं, वो भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुसार आपकी ओर वापस लौटेगी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें किसी के प्रति नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, अंत में वो आपकी ओर वापिस लौटता है। लेखक बताते हैं कि एक बार एक सेल्समैन उनसे मिलने आया। वो अपने सेल्स मैनेजर के व्यवहार के कारण परेशान था। वो 10 साल से जिस कंपनी में काम कर रहा था, उसे वहां कभी प्रमोशन नहीं मिला। उसने लेखक को आंकड़े दिखाए जिनसे यह स्पष्ट हो रहा था कि बाकी सेल्समैन के प्रमोशन हो गए थे। इस वजह से इस सेल्समैन को अपने साथ भेदभाव महसूस होने लगा और बहुत सारे इवेंट्स में मैनेजर इस सेल्समैन की खिल्ली उड़ाता था, जो इसे अपमानजनक भी लगता था। लेखक ने सेल्समैन की पूरी बात सुनने के बाद उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके स्वयं के अंदर है। वह मन ही मन मैनेजर के प्रति नकारात्मक भाव रखता था। वो मैनेजर की आलोचना और निंदा करता था। इसी विचार के कारण अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियां बनाने लगा जो सेल्समैन के लिए मुश्किल खड़ी करने लगे। लेखक की बातचीत खत्म होने पर सेल्समैन को यह एहसास हो गया कि ऐसी परिस्थितियां उसकी अंदरूनी भावना के कारण है, और वो समझ गया कि यह विनाशकारी है। लेखक ने सेल्समैन को ऐसी प्रार्थना बताई जिसे दोहराने पर उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। लेखक ने उसे काल्पनिक मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखाया। सेल्समैन ने इसका प्रयोग किया और ऐसी काल्पनिक तस्वीर बनाई जिसमें मैनेजर उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी तारीफ करते थे। उसने अपनी इस तस्वीर को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया और फिर हुआ चमत्कार। एक दिन अचानक सेल्समैन के पास फोन आया जिसमें उसके मैनेजर उसे बधाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि उसका प्रमोशन कर दिया गया है और इससे उसकी जिम्मेदारियां और तनख्वाह भी बढ़ गई है। दोस्तों, इससे हमने सीखा कि किस प्रकार किसी का नकारात्मक मूल्यांकन करने से इसका बुरा नतीजा हमें ही भुगतना पड़ता है, और यदि एक बार इसे सकारात्मक कर लिया जाए तो हमारा जीवन खुशियों और सद्भाव से भर जाता है। पुस्तक में आगे लेखक हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो चाहे कहे, वो आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उसे भावनात्मक रूप से विचलित करने की अनुमति ना दें। कोई व्यक्ति आपको केवल एक ही तरीके से विचलित कर सकता है, और वो है आपकी सोच के द्वारा। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का मतलब है कि हम ऐसी बचकानी प्रवृत्ति से दूर हो जाएं जो हमें विचलित करें और हमें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाएं। जीवन में केवल अपने लक्ष्य को याद रखें। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को ये इजाजत ना दें कि वो आपकी शांति और सेहत का दुरुपयोग करें। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, इसीलिए यहाँ मुश्किल लोगों के रहने की भी बहुत संभावनाएं होती हैं। ऐसे लोग अपराधी मानसिकता के होते हैं। ये झगड़ालू स्वभाव के होते हैं और समाज के लिए भी मुश्किलें पैदा करते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखने से हम अपने लिए नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, इसीलिए इन लोगों के लिए बुराई के बदले भलाई देने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने लिए एक ऐसी ढाल बनाते हैं जो इनके मुश्किल और बुरे नजरिए का प्रभाव हम पर नहीं पड़ने देती। लेखक कहते हैं कि हमें दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकाने की शक्ति नहीं देनी चाहिए। हमें अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और मानवता की सेवा और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए।
अपने आदर्श के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। सेहत, खुशी और मानसिक शांति हमें उपहार स्वरूप मिलेंगी। दोस्तों, इस अध्याय का यहीं पर अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार भावनात्मक रूप से परिपक्व बन हमारे अवचेतन मन के लिए हम एक ढाल बना सकते हैं। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, उनके प्रति दया भावना रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो यह कई गुना होकर अनेकों प्रकार से हमारे पास वापस लौटती है। दोस्तों, चलते हैं अगले अध्याय की तरफ, यानी अध्याय 17, जिसका नाम है क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ईश्वर का इस दुनिया के दुख और अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये परिस्थितियां हमारी ही विध्वंसक सोच का नतीजा होती हैं। इसीलिए अपनी मुश्किल और बीमारी के लिए ईश्वर को दोष देना एक बहुत बड़ी गलती है। लोग अपनी बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके अपने शरीर में मानसिक अवरोध उत्पन्न करते हैं और छोटे से छोटे तथा बड़ी से बड़ी घटनाओं के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं, उन पर गुस्सा होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक हम लोग ईश्वर के बारे में नकारात्मक सोच रखेंगे, तब तक हमारा अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को सच्चाई में बदलता रहेगा। लोग यह समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो खुद को ही सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखने की हिम्मत बांधनी होगी, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति की निंदा और उनके प्रति राग, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा, नहीं तो उनके जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। जब आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, उन्हें हर परिस्थिति में शक्तिशाली मानते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ता है और असंख्य तरीकों से आपको लाभान्वित करता है। लेखक कहते हैं कि जीवन का सिद्धांत हमारे लिए किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं रखता, ये हमेशा हमें माफ करता है। हमारे लिए सेहत, सद्भाव और शांति का वातावरण बनाने का प्रयास करता है। यह तो हमारी नकारात्मक सोच होती है जो इस जीवन के सिद्धांत के प्रवाह को रोक देती है और अपने हस्तक्षेप से हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए, किसी की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए या किसी के द्वारा की गई आलोचना से स्वयं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, अब लेखक हमें बताते हैं कि क्यों हमें आवश्यकता पड़ने पर करुण बनने की भी आवश्यकता है। करुण बनना अर्थात दया भाव रखना। वे अपने जीवन के ऐसे अलग अलग घटनाओं और उदाहरणों के माध्यम से हमें क्षमा और इसके विभिन्न रूपों का महत्व बताते हैं। ऐसी ही एक घटना यह है कि कुछ साल पहले लेखक एक चर्च में शादी कराने गए। दुल्हन तो तैयार थी, लेकिन दूल्हा 2 घंटे तक नहीं आया। सभी ने उसके आने का बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी उसके आने की कोई सूचना नहीं मिली। लेखक ने सोचा, इतने आंसू बहाने के बाद शायद जिंदगी में यह युवती दूल्हे को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन युवती ने लेखक से कहा कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, पर शायद उसका ना आना ईश्वर का ही मार्गदर्शन है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ क्योंकि मैं उन्हें पूरी आस्था से मानती हूँ। युवती आगे कहती है कि मैं इस विवाह के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। लेखक ने सोचा कि यदि इस समय कोई और व्यक्ति होता तो वह भावनात्मक रूप से टूट जाता और हंगामा मचा देता। लेखक कहते हैं कि हमारे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए बिना किसी संदेह के इन्हें स्वीकार कर इन पर भरोसा करना चाहिए। वैसा ही भरोसा जैसा बचपन में आप अपने माता पिता पर किया करते थे और हैं। लेखक कहते हैं कि क्षमा करना प्रेम का ही एक हिस्सा है और क्षमा करने का केवल यह अर्थ नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, बल्कि आप सद्भाव, प्रेम और शांति को प्राथमिकता देकर स्थिति सामान्य रखने का प्रयास करते हैं।
बाइबल कहती है कि एक दूसरे से प्रेम करो। यह काम इतना भी मुश्किल नहीं है, बल्कि इसे हम सब मिलकर कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए सेहत, खुशी, शांति और सद्भाव की कामना करें। संबंध अपने आप प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं और महसूस करते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता है। क्या इससे सरल कुछ और हो सकता है? अब लेखक ऐसी एक सकारात्मक घोषणा बताते हैं जिसे हम क्षमा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और हमें ये ऐसी असीम शांति दे सकती है जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। आगे लेखक कहते हैं कि याद है आपको आपका वो समय जब आपके दांत निकाले गए थे, कितना दर्द हुआ था ना? लेकिन क्या आपको इसका दर्द अभी भी याद है? जाहिर है आप कहेंगे, नहीं, मुझे दर्द याद है लेकिन महसूस नहीं होता। इसी उदाहरण से लेखक ये समझाना चाहते हैं कि जब हम किसी को सचमुच माफ कर देते हैं तो वो घटना हमें याद रहती है, लेकिन उसकी चोट हमें महसूस नहीं होती। यह क्षमा का एसिड टेस्ट करना है। यह क्षमा की सच्ची कला है। लेकिन यदि अभी भी आप उन भावनाओं से आहत होते हैं जिन्हें आपने क्षमा कर दिया है, तो शायद आप अभी क्षमा करने की सच्ची कला से काफी पीछे हैं। दोस्तों, इस अध्याय का यहीं पर अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार क्षमा करने से हमारे जीवन में एक नई शांति और सद्भाव की उत्पत्ति होती है। ये न केवल दूसरों के घावों को भरती है, बल्कि हमारे चोट पर भी मरहम का काम करती है। अतः दूसरों को माफ करना सीखें। द्वेष, नफरत और दुर्भावना से न केवल हम अनेक प्रकार के रोगों को आमंत्रित करते हैं, बल्कि इनसे हमारा जीवन भी तनावपूर्ण और परेशानियों से भरा बनने लगता है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं 18वें अध्याय की तरफ, जिसका नाम है, आपका अवचेतन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आ जाए और आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो आप क्या करेंगे? समस्या का हल समस्या में ही होता है, इसीलिए इनके जवाब जानने के लिए हमें अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हमें उनका जवाब सुनने का प्रयास करना चाहिए जो वो हमें बताना चाहता है। लेखक बताते हैं कि किसी आदत को बनाने या तोड़ने के लिए भी अवचेतन मन की शक्ति कारगर है। हम सभी अपने आदतों के हिसाब से जीना चाहते हैं। याद है जब आपने साइकिल चलाना, कार चलाना या तैरना सीखा था, तो आपने इन कामों को बार बार किया था ताकि ये कार्य हमारे अवचेतन मन में सेट हो जाएं। लेखक एक व्यक्ति के जीवन का उदाहरण देकर बताते हैं कि किस प्रकार उसमें बुरी आदत थी और उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति से उसे छोड़ा। उस व्यक्ति का नाम बॉब था। जब वो लेखक के पास आया तो वह बहुत निराश था और उसने लेखक से कहा कि शराब मेरी नौकरी और मेरे परिवार को पी गई है। मेरी पत्नी मुझसे बात तक नहीं करती और ना ही मुझे अपने बच्चों से मिलने देती है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। लेखक ने उससे पूछा कि क्या आपने कभी शराब छोड़ने की कोशिश नहीं की? तो उसने कहा, मैंने बहुत बार की और छोड़ी भी है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी आदत वापस लग जाती है और मेरा मन बेकाबू हो जाता है और फिर मैं नशे में डूब जाता हूँ। उसने बार बार शराब छोड़ने की कोशिश की और असफल हुआ। उसकी असफलता ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि अब वह शराब कभी नहीं छोड़ सकता। फिर लेखक ने उस व्यक्ति को चेतन और अवचेतन मन के कामों में तालमेल बैठाना सिखाया। इन दोनों की मदद से अवचेतन मन में बोई गई इच्छा साकार हो जाती है। बॉब समझ गया कि अब उसे क्या करना है। उसने एक स्पष्ट समझ बनाई कि उसे उसके अपने विचार के अलावा कोई और चीज ठीक नहीं कर सकती, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत नहीं है। बॉब ने अपने शरीर को शिथिल कर प्रैक्टिस की और उसे निष्क्रिय अवस्था में पहुंचा दिया। उसने अपने मस्तिष्क में काल्पनिक तस्वीर बनाई जिसमें उसने कल्पना की कि उसकी बेटी उसे गले लगाकर उसका स्वागत कर रही है और कह रही है, डैडी कितना अच्छा हुआ कि आप फिर से लौट आए। उसने रोज इसी तरह बैठकर मनन किया।
ध्यान भटकने पर वो फिर से अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने लगता और उसकी मुस्कान से जैसे उसे लगता कि उसका मस्तिष्क जीवंत हो उठता। उसने इसे जारी रखा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि देर सबेर ही सही अवचेतन मन चमत्कार जरूर करेगा। उसने शांति से अपने विचारों में संतुलन बनाया और जब भी उसे पीने की तलब लगती वो अपनी कल्पना को याद करने लगता। आज बॉब अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी रहा है। वो सफल हो गया था क्योंकि उसके विश्वास ने उसकी कल्पना को सच्चाई में बदल दिया। आज वो एक ऐसा शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है जिससे उसका परिवार बहुत खुश है। वो अपने काम में भी सफल है। अब लेखक बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमें अवचेतन मन की शक्ति से परिचित कराने का एक बार फिर से प्रयास करते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हम शराबी या बुरी आदतों के आदी हैं तो हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। इनके आरोपों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई लोग शराबी इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वो इसे स्वीकार नहीं करते कि वे इसे पीते हैं। आपको स्वयं से यह घोषणा करनी चाहिए कि अब मैं इसे कभी नहीं छूऊंगा। लेखक कहते हैं कि यदि आप में किसी आदत से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा है तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका 51% इलाज हो चुका है, क्योंकि आप जो भी विचार अपने दिमाग में डालते हैं आपका मस्तिष्क उस पर काम करने लगता है। इसके बाद लेखक शराबखोरी के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। एक शराबी में कुंठा और हीन भावना होती है जिससे वो दुश्मनी की भावना उत्पन्न करने लगता है। उसके पास ऐसे अनंत बहाने होते हैं जिनसे वो अपने शराब का बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण उसके अपने विचार हैं। अब लेखक हमें 3 जादुई कदम बताते हैं जिनका इस्तेमाल कर हम अपनी बुरी से बुरी आदत को छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कदम है कि हमें स्थिर हो जाना है और अपने दिमाग को शांत कर लेना है। अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना है जहां हम शिथिल महसूस करें। दूसरा कदम है कि हमें एक छोटा वाक्य लेना है जिसे हम आसानी से याद रख सकें और बार बार इसका दोहराव करना है। तीसरा कदम है कि सोने से ठीक पहले हम आंखें बंद करके इनका दोहराव करें और इनकी कल्पना करें और पूरे विश्वास से इन्हें लगातार करते रहें। आपका अवचेतन मन आपको वो शक्ति देगा जिससे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पालेंगे और फिर आपको इसके चमत्कार पर विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, इस अध्याय का यहीं पर अंत होता है जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग किसी बुरी आदत को छोड़ने और अच्छी आदत को अपनाने के लिए कर सकते हैं। आशा है आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे और बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं पाठ 19 जिसका नाम है डर को भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। पाठ की शुरुआत लेखक एक घटना से करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार उनके एक विद्यार्थी को एक व्यावसायिक सम्मेलन में भाषण देने के लिए बुलाया गया था और उन्हें 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। उसने अपने डर पर विजय पाने की सोची। यह विजय अवचेतन मन की शक्ति के कारण ही संभव हो पाई, क्योंकि उस विद्यार्थी के अनुसार वो कई रातों तक लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांत बैठकर सकारात्मक प्रार्थना करता। इस तरीके से उसके अवचेतन मन ने उसके आदेश पर काम किया और जब भाषण देने का समय आया तो विद्यार्थी ने पूरे आत्मविश्वास से बहुत सफल भाषण दिया। लेखक कहते हैं कि डर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर ही व्यक्ति की असफलता और अनेकों बीमारियों का कारण होता है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अलग अलग चीजों से डरते हैं। किसी को मौत का डर है तो किसी को बीमारी का, किसी को भविष्य का तो किसी को बुढ़ापे का, लेकिन डर केवल हमारे दिमाग का एक विचार है। इसका यह मतलब है कि हम अपने विचारों से ही डरे हुए हैं। यह डर बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे किसी छोटे बच्चे को डराया जाता है कि उसके बिस्तर के नीचे राक्षस है और वो बच्चा तब तक डरा रहता है जब तक वह इतना परिपक्व नहीं हो जाता कि वह
यह समझ जाए कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं है। इसी तरह हमारे अधिकांश डर सच नहीं होते। 19वीं सदी के एक महान दार्शनिक इमर्सन ने कहा था कि जिस काम से आप डरते हैं उसे करें और डर की मृत्यु निश्चित है। लेखक कहते हैं कि मैं इतना डरता था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी हजारों श्रोताओं के सामने भाषण दे पाऊंगा या जिस पुस्तक को आप इस समय सुन रहे हैं को लिख पाऊंगा। लेखक ने इमर्सन की बात पर अमल किया और अपने डर पर जीत पाई। लेखक ने हर वो काम किया जिससे वो डरते थे और नतीजतन वो अपने डर से उबर गए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में हमने आपको एक गायिका का उदाहरण दिया था। लेखक यहाँ फिर से उसी गायिका का उदाहरण देकर कहते हैं कि वो युवा ओपेरा सिंगर अपने मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गई थी। जब उसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था तो उसने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। हालांकि वो इस बात से डरी हुई थी कि अगर वो अपने मंच के डर से नहीं उभरी तो एक बार फिर फेल हो जाएगी। उसने अपने डर पर जीत पाने के लिए अपने अवचेतन मन से प्रार्थना की। वो एक कमरे में बैठकर अपने शरीर को शिथिल करके सकारात्मक सुझाव देती और स्वयं से कहती कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। एक सप्ताह के भीतर वो आत्मविश्वास से भरी महसूस करने लगी और समय आने पर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक और डर है जिसका हम सामना करते हैं और वो डर है असफलता का डर। लेखक कहते हैं कि उन्हें बहुत से विद्यार्थियों की शिकायत आती है कि विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले तक तो सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सभी जवाब याद रहते हैं, लेकिन परीक्षा के समय उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसी समस्या केवल उन विद्यार्थियों की ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की भी है। इसके स्पष्टीकरण के रूप में लेखक कहते हैं कि इसका कारण हमारे अवचेतन मन का नियम है। वो वही विचार साकार कर देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और इस दौरान विद्यार्थी सफल होने की अपेक्षा असफलता के डर को प्राथमिकता देते हैं और इसी को सोचते हैं। नतीजतन अवचेतन मन उनकी इस असफलता के सोच और डर को सच कर देता है और भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। डर के अनेकों प्रकार हैं। आगे लेखक जिस प्रकार की बात करते हैं वो है पानी का डर। लेखक बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो अचानक एक स्विमिंग पूल में गिर गए थे और उन्हें तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगे। उन्होंने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की मगर हर कोशिश नाकाम हुई। अंत में जब वो पूरी तरह डूबने ही वाले थे तो एक व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी और उसने लेखक को बचाया। लेखक के मुंह में और फेफड़ों में पानी भर आया था और यही कारण था कि बरसों तक लेखक पानी से डरते रहे। एक दिन उन्होंने अपनी समस्या एक वैज्ञानिक को बताई और उन्होंने लेखक को समझाया कि आप अभी स्विमिंग पूल में उतरो, पानी की तरफ देखो, यह तो केवल हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना एक रासायनिक यौगिक है। इसकी ना तो कोई इच्छा है और ना ही जागरूकता, पर तुम्हारे पास तो दोनों है। पानी निष्क्रिय है, तुम इसे जोर आवाज में कहो कि मैं तुम पर जीत पाने वाला हूं और मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से ये जीत पा लूंगा। फिर लेखक पानी में उतर गए। जब उन्होंने अपने सर्वशक्तिमान अवचेतन मन की शक्ति से अपना मानसिक नजरिया बदला और स्वयं में विश्वास रखा तो वे अपने पानी के डर से उबर पाने में जीत गए और आज वो हर सुबह तैरते हैं। लेखक कहते हैं कि याद रखें, आप पानी के मालिक हैं, पानी आपका नहीं। आगे लेखक ऐसे ही और भी डर से उबरने की तकनीक बताते हैं जिनका प्रयोग हम उस डर पर जीत पाने में कर सकते हैं। ये तकनीक लेखक ने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी तकनीक है। लेखक बताते हैं कि मान लीजिए आपको ऊंची जगहों से डर लगता है तो आप कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों पर घूम रहे हैं और इसकी सच्चाई को पूरे दिल से महसूस कीजिए।
वहां की ताजी हवा, पहाड़ी फूल और प्राकृतिक छटा के आनंद को महसूस कीजिए। यदि आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो आपका शारीरिक डर भी नष्ट हो जाएगा। ऐसी ही तकनीक आप हर उस डर पर जीत पाने के लिए कर सकते हैं जो आपको मुश्किल में डालते हैं। आपको तो केवल उस डर के खिलाफ एक कल्पना करनी है और उसे सफलतापूर्वक अपने अवचेतन मन तक पहुंचाकर स्वयं पर पूरा विश्वास रखना है। दोस्तों, अब लेखक सामान्य और असामान्य डर के बीच अंतर बताते हैं और कहते हैं कि जब हम अचानक किसी तेज आवाज से डर जाते हैं या फिर गिरने से जो स्वाभाविक डर हमें महसूस होता है वो सामान्य डर है और ये अच्छा है। जैसे सड़क पर चलते समय आप अपनी ओर आती गाड़ी को देखकर बचने के लिए दूर हट जाते हैं, जिससे आपके टक्कर लगने का डर आपके पीछे हटने से टल जाता है। इसके अलावा बाकी सभी डर असामान्य डर हैं, जो हमारे जीवन में अलग अलग अनुभवों से पैदा होते हैं। इसमें हमें लोगों द्वारा भी डराया जाता है और समय के साथ हमें अलग अलग चीजों से डर लगता है। असामान्य डर का जवाब देने के लिए हमें मानसिक रूप से पहले उसके खिलाफ सोचना चाहिए। ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति को उस डर के खिलाफ लड़ने की ताकत जगाता है और हमारा मनोबल बढ़ाता है और उस डर के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास देता है। दोस्तों, इन्हीं उपायों के साथ इस अध्याय का अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग किसी भी डर से उबरने में किस प्रकार कर सकते हैं। आप किसी भी असामान्य डर पर जीत हासिल कर सकते हैं और तब आप जान जाते हैं कि आपका अवचेतन मन किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है और हमारे दिल की बड़ी से बड़ी इच्छा को साकार कर सकता है। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस पुस्तक के अंतिम अध्याय की ओर, जिसका नाम है हमेशा मन से युवा कैसे रहा जाए। दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार हमेशा अपने मन से युवा बने रह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, ये अमर है क्योंकि ये ईश्वर के मस्तिष्क का अंश है। इसके अलावा हमारे अंदर सत्य, शांति, सद्भावना, धैर्य और दयालुता के ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते, और अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं और इन्हें फलने फूलने देते हैं तो हमारा मन इससे हमेशा युवा बना रहता है। समय के साथ हम अपने दिलो दिमाग पर बुढ़ापे का डर हावी कर लेते हैं और जानबूझकर अपनी सक्रियता को समाप्त कर देते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि बुढ़ापा तो केवल उम्र का एक पड़ाव है और ये उनके मस्तिष्क की रचनात्मक शक्तियों को खत्म नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि ये एक ऐसा समय है जब हमारी बुद्धि का उदय अपने चरम पर होता है, लेकिन लोग इस उम्र को दुख का एक नजरिया बनाकर उसका डर अपने जीवन में भर लेते हैं और इसे अपना अंत समझते हैं। यह गलत है। अपने दिमाग से हमेशा यह बात निकाल देनी चाहिए कि 65, 70 या 80 साल की उम्र आपके लिए अंत का दूसरा नाम है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी अच्छी, और हमें इसकी उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि हमारा अवचेतन मन इसे साकार कर देगा। लेखक का मानना है कि बुढ़ापा एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक परिवर्तन है। मानव जीवन हमेशा आगे की ओर चलता है और इसका कोई अंत नहीं है। हम कभी बूढ़े नहीं होते क्योंकि हमारा जीवन, जिसे ईश्वर माना जाता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। लेखक कहते हैं कि बाइबल के अनुसार ईश्वर ही जीवन है और यह अविनाशी है। लेखक हमसे यह आग्रह करते हैं कि हमें बुढ़ापे को पूरी कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। इस उम्र की अपनी एक अलग ही सुंदर महिमा और नियामत होती है, जिसमें अनंत शांति, सुंदरता, सद्भावना, प्रेम और समझ के गुण होते हैं, और ये गुण कभी बूढ़े नहीं होते, ना ही मरते हैं।